कुछ सोशल रिफॉर्म्स देखें, क्वेश्चन आप पूछें इसमें से। ओके, राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल किसने दिया था? अकबर सेकंड ने दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट बिट। ओके, आत्मीय सभा कौन से साल में बनाई थी? 1814 में। ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा कब बनाया था? 1828 में बनाया था। 1830 में उसके अगेंस्ट में एक सभा बनी थी, किसने बनाया था वो? धर्म सभा। किसने बनाया था? राधा कांत देव ने बनाया था, वेरी इंपॉर्टेंट बिट है वो। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया किसने बनाया? केशव चंद्र सेन ने बनाया था। ओके, आदि ब्रह्म समाज किसके पास था? देवेंद्रनाथ टैगोर के पास था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी सभा बनाई थी? तत्वबोधि सभा, राइट ना, तत्वबोधि सभा। तत्वबोधि पत्रिका भी किसका था? देवेंद्रनाथ टैगोर का ही था। तत्वबोधि पत्रिका भी किसका था? देवेंद्रनाथ टैगोर का ही था। नंबर वन पॉइंट। नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट में और क्या क्या पूछ सकता बोल तो, साधारण ब्रह्म समाज किसने बनाया? आनंद मोहन बोस ने बनाया था। कौन से साल में बनाया था वो सब चीज़ें मैं दिया आपको, कौन से साल में एक्चुअली नहीं पूछता, लेकिन किसने बनाया। आर्य समाज किसने बनाया था? दयानंद सरस्वती ने बनाया था, वेरी इंपॉर्टेंट बिट है वो। आर्य समाज किसने बनाया था? दयानंद सरस्वती ने बनाया था। ओके, और जो इम्पोर्टेंट हो सकता वो प्रार्थना समाज किसने बनाया था? आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। ओके ओके, और परिमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट बिट्स है। थियोसोफिकल सोसाइटी किसने बनाया? बाला ब्लावाट्स्की, मैडम ब्लावाट्स्की एंड ऑलकोट ने बनाया था। ओके, फिर उसका क्वार्टर हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में बनाया था। शिफ्ट हेडक्वार्टर कहाँ पे शिफ्ट करे उसका बाद में? मद्रास में करे। हिंदुस्तान में थियोसोफिकल सोसाइटी का मेन जो प्रचार करने वाले कौन थे? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने कैसो एक कॉलेज बनाया था, वो कॉलेज का नाम में दिया था, बाद में वो बनारस विश्वविद्यालय बना था, राइट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम क्या था एक्चुअल नेम? मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, बाद में जाके वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी थी। ओके, ये सोशल रिफॉर्म्स। तो अब तक हमने क्या देखा? यूरोपियंस आए, यूरोपियंस में कौन कौन आए? पुर्तगीज आए, डच आए, ब्रिटिश आए, फिर डेनमार्क आए, फिर फ्रेंच आए। ब्रिटिशर्स ने इनको भगा के इन्होंने कैप्चर किया। कैप्चर कैसा करा हूँ वो भी हमने देखा था। सपोज इंडिया का मैप है, कैसा कैप्चर करा, या बंगाल को कैप्चर करा था 1757 में, ये ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलाइंसेस यहाँ पे हराया था 1799 में, और ये 1818 में पंजाब में, और ये एरिया कब कैप्चर किया? ये 1843, ये 1848, ये दो, राइट, मुल्तान एंड लाहौर, सिंध क्या है सो 43 में, इस तरीके से कैप्चर किया। उसके बाद 1857 में रिवोल्ट हुआ, वो रिवोल्ट कई को हुआ, कैसा हुआ, और कौन से एरिया को किसने किसने जीता वो भी हमने देखा था। ओके, दिल्ली को किसने रिकैप्चर किया था? जनरल कॉलिन कैम्बेल। किस इलाके को कैप्चर किया था कॉलिन कैम्बेल? लखनऊ और लखनऊ एंड कानपुर। दिल्ली किसने कैप्चर किया? जनरल हडसन ने। झांसी को किसने कैप्चर किया? ह्यू रोज ने। खांसी आई उसको क्या कर सकते हैं, झांसी बोलते हैं, खांसी आ गया उनको। होता आदमी आदमी को खांसी आती ना, तुम लोगों को खांसी नहीं है या फिर छींक नहीं है का मतलब तुम लोग आदमी नहीं है, तुम लोग पुरुष ही नहीं है। नहीं, जो जिसको छींक आई उसने उन्हें माँ पूछे, बेचारे रेगुलर आ रहे, देखो पक्का जॉब मारते हो, लिखे दे रहा हूँ, आदमी के कमिटमेंट से बोल देता हूँ कौन जॉब पे बैठता कौन नहीं बैठता। ओके, हाजरा भी काफ़ी दिनों से पढ़ रहा है, राइट, दिस आर सो वेरी रेगुलर एंड कमिटमेंट से। फरहद भी मार देते जॉब आराम से, देखो यस बोल के बोल दिया उन्होंने। तो यहाँ तक हमने देखा था, राइट, कैप्चर हुआ, कैप्चर होने के बाद रिवोल्ट हुआ,
रिवोल्ट होने के बाद सोशल रिफॉर्म सन में देखे। अब जो आज हम टॉपिक देखेंगे वो प्री कांग्रेस एसोसिएशंस, कांग्रेस से पहले कौन से एसोसिएशंस बने थे वही हम देखेंगे। उसके बाद अब यहाँ से हमको क्या क्या देखना है, प्री कांग्रेस एसोसिएशन, उसके बाद कांग्रेस बनी, मेजर इंसिडेंट्स ख़त्म। कहाँ तक आए अभी, प्री कांग्रेस एसोसिएशंस बनते कब तक, 1885 से पहले जो जो भी एसोसिएशंस बने वो प्री कांग्रेस एसोसिएशंस। कांग्रेस कब बनी, 1885 दिसंबर 28 को कांग्रेस बनी, 1885 दिसंबर 20 को कांग्रेस बनी। ओके, कांग्रेस बनने के बाद मेन मेन इंसिडेंट्स क्या क्या हुए, मेन मेन क्या होते इंसिडेंट्स, 1905 क्या होता, पार्टीशन ऑफ बंगाल, उससे पहले मॉडरेट फेस 1885 से लेकर 1907 मॉडरेट फेस, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट फेस, उसके बाद गांधी एरा, दैट्स ऑल, तीन एराज देखना है वो जल्दी जल्दी हो जाता। 1925 बंगाल पार्टीशन, बंगाल पार्टीशन कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे पूछ सकता, करजन थे। उसके बाद 1907 सूरत स्प्लिट, सूरत स्प्लिट, ओके। उसके बाद 1911 दिल्ली दरबार और दिल्ली को कैपिटल शिफ्ट करते। उसके बाद 1916 लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट। उसके बाद 1918 रौलत एक्ट, 1919 जलियांवाला बाग इंसिडेंट, यहाँ पे वर्ल्ड वार शुरू हो जाता, 14 से लेके 19 तक वर्ल्ड वार चलता। वो वर्ल्ड वार और जो भी इंसिडेंट्स पेश आते हैं उसकी, यहाँ गांधी जी 1950 में गांधी जी वापस आते हिंदुस्तान को, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आते, ओके, वहाँ से गांधी नेहरा शुरू हो जाता। उसके बाद 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ था, 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था, कब ख़त्म हुआ बोला था मैं ऑलरेडी, कब ख़त्म हुआ था, 12 फरवरी 1920 को ख़त्म हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट, 4 फरवरी को चौरी चौरा इंसिडेंट होता। उसके बाद 1923, ओके, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी कई को बनी थी वो देखना पड़ता। उसके बाद 1927 साइमन कमीशन, ओके, 1929 स्वराज, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन 1929। उसके बाद 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, CDM बोलते हैं उसको, ओके, 1939 सेकंड वर्ल्ड वॉर, 1940 अगस्त ऑफर, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, ओके, 1945 सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता, 1946 यहाँ पे 1942 में क्रिप्स मिशन भी आता, सर स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन आता, 46 कैबिनेट मिशन प्लान, 1947 इंडिपेंडेंस। ये एरियाज है, अजहर है ना, अजहर चले गए है ना, यही है ना पूरा स्केच, आगो तो फिर से क्या, 1 से 4 बार रिपीट, ये स्केच है, कौन सी भी चीज़ का स्केलेटन पहले बाइफर्केट कर लेना आप तो इजी से आसानी से पढ़ सकते। इसलिए मैं पहले जो पुराना जो पढ़ाया उसका एक बार थोड़ा सा डाला, यहाँ तक अगर अपन पहुँच गए एक भी बिट मिस नहीं होता, मैं 500 बिट्स बनाया वो बिट्स यहाँ पे लगाता हूँ, ओके, अभी नहीं रमज़ान के बाद लगाता हूँ। खाली मॉडर्न हिस्ट्री भी अगर पढ़ के चले गए 10 मार्क्स आउट ऑफ 70 10 मार्क्स आपके कवर हो जाते, आउट ऑफ 70 आपके 10 मार्क्स कवर हो जाते। मॉडर्न हिस्ट्री भी अगर पढ़ के चले गए तो आउट ऑफ 70 आपके कितने मार्क्स कवर होते, 10 मार्क्स कवर हो जाते, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स किसको बोले, 10 मार्क्स किसको बोले, 10 मार्क्स कुछ बोलते हैं, ओके,
ये बाइफरकेशन है, ये क्या है आपका बाइफरकेशन। 1919 में जलियांवाला बाग रौलत एक्ट, जलियांवाला बाग, 1920 नॉन कॉपरेशन, क्वेश्चन आता आपको 19 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच ईयर बोल के क्वेश्चन आता, विच ईयर का मतलब बाइफरकेशन याद रहा तो आंसर निकाल दे सकते। 1920 नॉन कॉपरेशन कब से कब हुआ था, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी देखो यहाँ लिख सकते हैं अपन उसको, सिविल डिसोबीडियंस कहाँ है यहाँ पे, ओके 6 अप्रैल से शुरू होता 1930 से 5 मार्च 1931 तक चलता, 6 अप्रैल से लेके 5 मार्च 1931 ये 1930 को शुरू होता। कांग्रेस यहाँ से आई, देखो कांग्रेस कब से आई, ये जो भी चीज़ें हो रहा पूरा कांग्रेस की वजह से हो रहा, खाली कांग्रेस भी पढ़ लिए तो ये पूरा कवर हो जाता है इनडायरेक्टली, समझ में आया नहीं है? मैं कैसा लिखा है इसको, हम शहर में क्या क्या खाए, रोटी खाए चिकन वो जो भी खाए वो खाए राइट, पानी पिए लस्सी पिए और क्या क्या खाए, हाँ हलीम खाए, शोहर का दिमाग खाए, जो भी ये सब मिला के किस में आ गया, शहर में आ गया, ओके। तो मैं ये लिखा बजाय इसके मैं शहर करा बोलते हो जाता ना, इनडायरेक्टली इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते ये सब चीज़ें आ जाती है उसके अंदर। 1921 कहाँ है, हैच नहीं 23 है, 1923 स्वराज पार्टी, 19 एक बार फिर से बोल रहा हूँ 1905 बंगाल पार्टीशन, 1905 बंगाल पार्टीशन, 1907 सूरत स्प्लिट, 1911 दिल्ली दरबार यानी दिल्ली कैपिटल फॉर्म होता, 1915 गांधी जी वापिस आए, 9 जनवरी 1915 गांधी जी हिंदुस्तान को अफ्रीका से वापिस आए, 1916 लखनऊ पैक्ट, 1918 रौलत एक्ट, 1919 जलियांवाला बाग इंसिडेंट, यही टाइम पे 1919 तक ये टाइम पूरा वर्ल्ड वार फर्स्ट, 1920 इंडियन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो 1 अगस्त 1920 से लेके 12 फरवरी 1920 तक, 1923 स्वराज पार्टी, 1927 साइमन कमीशन, 1929 पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 6 अप्रैल 1930 से लेके 5 मार्च 1931 तक, 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर वो 45 तक चलता, 1940 में अगस्त ऑफ और 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट, 42 में ही क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन मार्च में, क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त, थोड़ा बड़ा लिखूं, एक काम करता हूँ मैं यहाँ एक बार पूरा बड़ा बड़ा लिखता हूँ ज़रा फेयरली राइट। ये स्प्लिटअप अगर याद रहा आधा एग्जाम आपका यही यही कवर कर ले सकते तुम, बिट मिसाल के तौर पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ स्प्लिटअप में याद है हमको, कब हुआ था 1920 से लेके 22, ऑप्शन में 1920 देता हूँ, 21 22 नहीं आता क्योंकि जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से पकड़ते, बीच में से नहीं पकड़ते, तो कब हुआ था मतलब 1920 में तो हुआ था, ओके राइट। मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ उसको स्प्लिटअप करके, स्प्लिटअप लिख रहा हूँ देखो अभी, प्री कांग्रेस एसोसिएशन, प्री कांग्रेस एसोसिएशंस ये कब तक बनते हैं, 1885 से पहले बन जाते, प्री कांग्रेस एसोसिएशंस 1885 में वो बन जाते, उसके बाद कांग्रेस पार्टी, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस 1885 दिसंबर 28 गोकुलदास तेजपाल कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, नको वहाँ पे आता हो हेडिंग्स में लिखेंगे। उसके बाद नाइनटीन नॉट फाइव
बंगाल पार्टीशन, बंगाल पार्टीशन के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? करजन था। बंगाल पार्टीशन 1907। कांग्रेस के दो टुकड़े होते, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, दोनों अलग अलग हो जाते। ओके, स्प्लिट, सूरत स्प्लिट बोलते हैं उसको। सूरत में हुआ था वो सेशन, सूरत स्प्लिट बोलते हैं उसको, स्प्लिट। इसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दो लोग रहते, दोनों अलग अलग हो जाते। क्यों अलग होते वो हम डिटेल्स उसको देखेंगे, सूरत स्प्लिट। इसके बाद 1911 दिल्ली, दिल्ली कैपिटल शिफ्ट होता। कौन रहता जब गवर्नर जनरल? हार्डिंज रहता, DING, हार्डिंज रहता 1911। उसके बाद 1915 गांधी जी वापिस आते, 9 जनवरी 1915 साउथ अफ्रीका से वापिस आते, रिटर्न, साउथ अफ्रीका रिटर्न बोल के लिख लो। बंगाल पार्टीशन, बंगाल का पार्टीशन होता, लॉर्ड कर्जन रहता, वेरी इंपॉर्टेंट, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल जो भी आया ना उससे चाहे ये लिख लिए। लास्ट वन, 9 जनवरी 1915 साउथ अफ्रीका से गांधी जी वापस आए थे, गांधी जी रिटर्न्स बोल के लिख लो। गांधी जी रिटर्न्स, मेट दूं, हो गया ये। उसके बाद 1916 लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। अंबिका चरण मजूमदार थे यहाँ पे सदर, अंबिका चरण मजूमदार यहाँ पे सदर थे। लखनऊ पैक्ट के बाद 1918 रौलत एक्ट, रौलत एक्ट। उसके बाद 1919 वर्ल्ड वार खत्म होता है यहाँ पे, जलियांवाला बाग, बाग इंसिडेंट, जलियन वाला बाग इंसिडेंट। 1920 नॉन कॉपरेशन, पूरा लिखो, नॉन कॉपरेशन कब शुरू होता? 1 अगस्त 1920 से लेकर 12 फरवरी 1922 तक चलता। इसके बाद 1923 स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी कई को बनी थी। उसके बाद 1927 साइमन कमीशन, साइमन कई को आए थे, साइमन कमीशन 1929 पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, थर्ड वाला जलियन वाला बाग इंसिडेंट, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। नाइनटीन थर्टी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब शुरू हुआ? 6 अप्रैल 1930 को शुरू होके 5 मार्च 1931 तक चला। वर्ल्ड वार यहाँ आ गया। उसके बाद 1940 अगस्त ऑफर, अगस्त ऑफर, अगस्त ऑफर क्या है देखेंगे। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया लिखना है तो डेट भी लिख सकते हैं आप वहाँ पे, 8 अगस्त 1942 क्रिप्स मिशन, 1942 में ही आता क्रिप्स मिशन।
क्रिप्स मिशन, ओके। इसके बाद 1945 सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाता, ओवर, ओवर वर्ल्ड वार ओवर बल्कि लिखो, वर्ल्ड वार ओवर 1945 हो गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1946 कैबिनेट मिशन, फोर्टी फाइव में यहाँ पे और एक भी लिख सकते हैं 1945 शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस नहीं भी लिखे चलता, उसमें इनडायरेक्ट इनबिल्ट रहता आ जाता हो। 1947 माउंट बाटन प्लान इंडिपेंडेंस, दो होता वहाँ पे माउंट बाटन प्लान, प्लान उसके साथ ही क्या होता इंडिपेंडेंस। ये आपके सीक्वेंसेस ऑफ हिस्ट्री, अब यहाँ से इतनी चीज़ें हमको कवर करनी है। क्या सर आए थे ना क्वेश्चन इसमें से, यही क्वेश्चन आते, ये आउटलाइन भी याद रहा तो बस है, ये आउटलाइन भी अगर आपको याद है तो बस है, हो गया। क्या हुआ 39 को शुरू हुआ, 39 को शुरू हुआ 47 माउंट बाटन प्लान और इंडिपेंडेंस। माउंट बाटन कौन थे, लास्ट वायसराय, वहां से आजादी आ जाती। ये आउटलाइंस है क्या हाजर आपको तो क्लियर होगा ये, नहीं थोड़ा सा एक बार रिव्यू हो जाता होता है। 1945 कहाँ पे है, सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, शिमला कॉन्फ्रेंस भी होती वही टाइम पे, ठीक है वही टाइम पे क्या होती शिमला कॉन्फ्रेंस भी होती। इन लोगों को एक ही बात समझ में आएगी, हम पढ़े लिखे ये सब जो भी चीज़ें समझ में आएंगी तो एक ही बात समझ में आएगी कि हमको जो लूटने वाले कौन है अंग्रेज, ओके राइट। उस वक्त अंग्रेजों का जो एरिया ऑफ रूलिंग था, टॉप में हिमालय, साउथ में केप कैमरिकॉन, केप कैमरॉन, इधर असम, इधर खैबर पास आज पाकिस्तान में है। इतना बड़ा वास्ट इंडिया को यूनिफाइड करके ये लोग रूल कर रहे थे। तो एक चीज़ यानी तकरीबन मौर्यंस के पीरियड में भी पूरा अखंड भारत था, उसके बाद फिर टुकड़े हुआ, फिर अखंड हुआ, फिर बाबर वो लोग आके दिल्ली से फिर टुकड़े हुआ, फिर अंग्रेज़ आके उसको यूनिफाइड करे। केप कैमरॉन, केप कैमरॉन, ओके। तो उसमें जो सबसे पहली जो चीज़ जो यानी लोगों के अंदर जो हमारा देश ये जो ओके इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए एक ही कानून बनाया था, और वो कानून किसके हक में था, अंग्रेज़ों के हक में था, किसके अगेंस्ट में था, हिंदुस्तानियों के अगेंस्ट में था, यानी जितने भी हिंदुस्तानी थे सबके अगेंस्ट में थे वो कानून, फ़ायदा किसको था अंग्रेज़ों को था। तो ये सब लोगों को समझ में आ गया इतना हमारा देश है और हम इन अंग्रेज़ों के द्वारा लूटे जा रहे हैं, तो ये हमारा देश हमारी धरती, अब राष्ट्रवाद इनके अंदर पैदा होना शुरू हो गया था, ओके नंबर वन पॉइंट, ठीक है। दूसरा ये था इन्होंने ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया था, पहले इंडिया में ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था, इन्होंने ट्रेन्स बनाए, सबसे पहले ट्रेन कब चली डलहौजी के टाइम पे 1853 थाने टू मुंबई, उसके बाद से ट्रेन स्टार्ट हुए, ओके। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन्होंने डिफेंस मेकानिज्म के लिए बनाया था, क्योंकि अब ट्रेन की पटरियाँ तो बिछी हुई है, रोड लाइन्स भी इन्होंने डाल दिए, ठीक है। लेकिन अब फ़ायदा क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये लोग ये डिफेंस सिस्टम में रोड में कैसे हथियार और पैसा जो लूटे वो लेके जा रहे, यहाँ से जो कोल माइन से यहाँ पे भी हथियार या कोल वो जो भी लूटे वो ट्रेन से लेके जा रहे, क्योंकि ट्रेन तो बिछी हुई खाली टाइम पे, यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन भी चल रही पूरे हिंदुस्तान में, हर जगह जगह से पैसेंजर ट्रेन चल रही। तो यहाँ का आदमी ट्रेन से यहाँ पहुँच रहा, यहाँ से यहाँ पहुँच रहा, यहाँ से यहाँ पहुँच रहा, तिजारत के लिए हो जो भी चीज़ें हो, अब बाजुक जब बैठेंगे तो चाहे मर्द हो या औरत हो, नहीं जब ट्रेन में एक साथ जब सफ़र करते तो बातचीत तो करते, कहाँ के तुम, क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या हाल चाल है, क्यों जा रहे, नॉर्मली बातचीत तो होती सफ़र में।
तभी लोग, अरे क्या हुआ आपके इलाके में, क्या हो रहा, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनकी क्या प्रॉब्लम्स है, आपको भी लूट रहे, हमको भी सता रहे। तो ये हमारा देश है, हमारे नहीं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्चुअली बना के लिए था, वो लोग अपने फ़ायदे के लिए बनाए थे, लेकिन उससे क्या है, सो लोग भी ट्रैवल कर रहे थे, तो उसमें भी क्योंकि एक दूसरे की प्रॉब्लम जानने का मौका मिला, क्योंकि पहले ट्रांसपोर्ट सिस्टम था नहीं, तो वहाँ का आदमी इधर नहीं आता था, इधर का आदमी वहाँ जाता नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं थी। अब वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ट्रेन से आ गए, तो उधर का आदमी आराम से बैठ के इधर आ रहा, इधर का आदमी उधर जा रहा, आते जाते दोनों की बातचीत हो रही, तुम्हारे हाल में क्या हो रहा, तुम्हारे लोगों को कैसा कर रहे, हमारे लोगों को ये हाल है, करने वाला आदमी एक ही छे, फिर अंग्रेज नहीं। तो ये हमारा देश, आपका भी देश, हमारा ही, ये हमारा इलाका भी हमारा देश है। इस तरह का, इस तरीके से लोगों के अंदर कैसा राष्ट्रवाद जागना शुरू हो गया। ओके, वेस्टर्न एजुकेशन का भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, यहाँ से लोग पढ़ने के लिए जाते कहाँ थे, इंग्लैंड जाते थे, वहाँ पे जाके वहाँ के इंसानों की कंडीशंस को देखते थे, देख के वापस हिंदुस्तान आते थे। अंग्रेज़ में, इंग्लैंड में अंग्रेज़ों की जो है ना, वहाँ पे हुकूमत अंग्रेज़ कर रही, कंट्री अंग्रेज़ों की है, और जिस पे रूल किया जा रहा वो भी अंग्रेज़ है, कंडीशन अच्छी है, लोग खुश है, उनके ऊपर किसी किस्म का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई उनको लूटने वाला नहीं, उनकी तजारत है, तिजारी सब चल रही है, वहाँ से पढ़ के नहीं यहाँ पे, एक तो पढ़ा लिखा हो गया, अब यहाँ पे आया, आने के बाद यहाँ की कंडीशन देख रहा, यहाँ पे ना लोगों को क्या है, ना सिविल राइट्स है, ना पॉलिटिकल राइट्स है, ओके, ना डेमोक्रेटिक वे ऑफ रूलिंग है। डेमोक्रेटिक वे ऑफ रूलिंग मतलब सरकार पब्लिक चुनती, यहाँ पे तो सरकार ज़बरदस्ती आके बैठ गई है। ओके, तो ये सब चीज़ों की वजह से भी इनके अंदर राष्ट्रवाद कैसो जागना शुरू हो गया। ओके, तो यानी पढ़े लिखे लोग थे, वहाँ की जबान समझते थे। अच्छा, एक और फ़ायदा हुआ वेस्टर्न एजुकेशन का, वो क्या था, यहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन हर जगह से लोग इंग्लैंड पढ़ने जाते थे, पढ़ के जब आते थे तो यहाँ भी अंग्रेज़ी जानने वाला हिंदुस्तानी, यहाँ भी अंग्रेज़ जानने वाला हिंदुस्तानी। अब इसको बंगाली आती ना हो, ना आती हो, या गुजराती आती ना हो, या मराठी आती ना हो, इसको भी इंग्लिश आती, इसको भी इंग्लिश आती, अब इन दोनों कम्युनिकेट करना शुरू हो गए। पहले लैंग्वेज प्रॉब्लम भी था, क्योंकि वो कॉमन लैंग्वेज आ गई ना भी इंग्लिश, मैं हूँ, मेरे को हिंदी आ सकती, मेरे को मराठी नहीं भी आ सकती, लेकिन महाराष्ट्र वाले को मराठी अगर आए तो उसको इंग्लिश ज़रूर आती, क्यों, उन्हें भी इंग्लैंड जाके पढ़ा, मैं भी इंग्लैंड जाके पढ़ा, यानी कुछ लोग, नॉट ऑल ऑफ देम। तब इनको क्या हो गया, कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, अभी एक दूसरे की में कैसे कम्युनिकेट करना, आसाम से कोई गया नहीं तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना इन लोगों ने शुरू किया। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ, लोगों के अंदर कैसे एक, अरे हमारा ये देश है, ये हमको लूट रही, राष्ट्रवाद जागना चाहिए, इसमें बिट कुछ भी नहीं आता, जहाँ पे मैं बैठा था वो आपको मैं बोलता चलूँगा। ओके, दूसरा था रीडिस्कवरीज। हिंदुस्तान को तारीख में एक बहुत नॉर्मल एक, यानी ऐसे वर्ड्स लिख दिए कि उतना कुछ उसमें हिंदुस्तानियों के बारे में उतना कुछ अच्छा नहीं लिखा गया था, लेकिन बाद में रीडिस्कवरीज हुई तो आर्यंस को कैसो, अंग्रेज़ लोग कैसो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे, किसको, आर्यंस को। जब वो लोग हिस्ट्री जाने तो बाद में ये मालूम हुआ कि आर्यंस हिंदुस्तान आए थे ना आर्यंस हिंदुस्तान, हरप्पन सिविलाइजेशन के बाद आर्यंस ही चाहते, बोगस का इंस्क्रिप्शन में बोला था, आर्यंस हिंदुस्तान आए। आर्यंस हिंदुस्तान आने की वजह से क्या हुआ, अब ये जहाँ पे जितने भी लोग फैले हुए आर्यन की औलाद है, तो तुम हमार को कैसो एक नीची नज़र से देख रहे, जबकि तुम आर्यंस को क्या कर रहे, एक रिस्पेक्टेड कौम मान रहे हैं, जबकि हम कौन है, आर्यंस की ही नस्ल है हम, तो उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी पैदा हुआ, जिसको तुम इज्जत दे रहे, जिनका नाम इज्जत से ले रहे, हम उन्हीं की नस्ल है, जबकि तुम अब प्रेजेंट हिंदुस्तानियों को एक कमज़ोर कौम, एक जैसा भी आप हिस्ट्री में उनके बारे में लिखे, अगर एक आदमी को तू ऐसा है, तू ऐसा है, तो ये बोलने पर मनो डलवा दो नहीं, अब उसको थोड़ा सा उसका मॉरल थोड़ा सा अच्छा ये करो, क्या बोलते, अरे क्या क्या इंटेलेक्चुअल है भाई, नहीं क्या अच्छा पढ़ा था, सुबह 7 बजे बोलते 7 बजे आ जाता, उसका मॉरल इंक्रीज होता, क्या होता उसका मॉरल इंक्रीज होता, राइट। ओके, वो एक रीज़न था, इन सब चीज़ें मिलके एक इंटेलेक्चुअल क्लास बन गया था, मिडिल क्लास। भाई दो चीज़ें हैं देखो, एक रहता आपका हायर क्लास, दूसरा तीसरा लोअर क्लास। हायर क्लास वाले को खूब पैसा है, कोई भी क्या भी जाना, मेरे को क्या करने का है बोलता हूँ, उसको खाने घूमने फिरने गाड़ी पैसा है शीशा सब कुछ है, उसको कुछ ना सोचने की ज़रूरत है, ना उसको कुछ करने की ज़रूरत है, उन्हें लाइट दे देता, क्या भी मेरे क्या करने का है बोलता हूँ। तीसरा ये लास्ट वाला, इसको सुबह खाना मिला तो मेहनत करा तो शाम में खाना मिलता, क्या हो रहा है कि वो सब जान दो, मैं शाम तक मेहनत कर रहा हूँ, शाम में मेहनत थक के रहता हूँ, शाम होते सो जाता हूँ, मर जाता नहीं क्या होता उन्हें सो जाता, उसको कुछ भी करने का नहीं है, क्या हालत है उसको, सुबह खाना खाए शाम में रोटी मिली तो बस है उसको,
फिर सुबह ज़रा कुछ तो भी मिल गए तो जाके फिर शाम तक उन्हें कमा के ला सकता, उन्हें दूसरी चीज़ें नहीं सोच सकता। हिंदुस्तान पे कौन रूल कर रहे क्या कर रहे उन्हें नहीं सोच सकता। ये मिडिल वाला जो है इन्हें इफेक्टिव रहता, इसको ना इधर फिक्र रहती ना इधर का, उतना भी ऐशो आराम भी नहीं रहता, इन्हें सोच सकता। तो वो क्लास हिंदुस्तान को मिला था। जब ब्रिटिशर रूल नहीं करते तो हिंदुस्तान में दो ही किस्म के लोग थे, लोअर और हायर। मिडिल क्लास कब आया? अंग्रेज़ों की हुकूमत की जब से मिडिल क्लास आया। ओके, तीन लोगों में पढ़े लिखे लोग आना शुरू हुए तो यहाँ पे क्या हुआ, एनालाइज़ करना शुरू करा लोग। ओके, सो उसमें सबसे पहली जो चीज़ इन्होंने एनालाइज़ की थी, किस तरीके से ये लोग जुल्म कर रहे हैं। रूल कौन कर रहे थे? ब्रिटिशर्स। ओके, रूल कैसा कर रहे हैं? रूल करने में ऑफिशियल्स की रोल बहुत ज़्यादा रहता। ऑफिशियल्स कैसे रिक्रूट होते? सिविल सर्विस एग्ज़ाम से रिक्रूट होते, उस ज़माने में भी था। इन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पे हिंदुस्तानियों के लिए कंडीशन लगाई थी, 19 साल, 19 साल से कम, 19 साल अगर क्रॉस हो गए तो सिविल सर्विस एग्ज़ाम नहीं लिख सकता हूँ। अभी कांस्टेबल के लिए क्या है, क्या है, एसए के लिए 33 साल है। ओके, और ग्रुप्स लिखने के लिए 49 ईयर्स तक है। उस ज़माने में क्या थी एज? 19 साल अगर हो गया तो उन्हें आईएएस का एग्ज़ाम नहीं लिख सकता था, क्रॉस हो गए तो उसके अंदर ही लिख लेना हो। और उस ज़माने में ना लाइट थी, ना रोशनी थी, ना कुछ थी, फिर भी लोग क्या है सो पढ़ के पास भी होते थे। ओके, तो इस तरीके से वो लोग एनालाइज़ करना शुरू हो गए, अरे भाई ये उम्र को कम करें, अंग्रेजी में ब्रिटिशर्स में सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता वहाँ पे क्या उम्र रखे या हमारे लिए क्या उम्र रखे, ये सब चीज़ें उनको देखनी शुरू हो गई थी। ये कब करें, ये 19 ईयर्स कब करें, 1876 में 19 ईयर्स करें। हिंदुस्तानी लोग उतने हालात में भी ज़्यादा पढ़ के आईएएस के एग्ज़ाम में सेलेक्ट होके आ रहे थे, सेलेक्ट होके आए तो रूलिंग क्लास में रूल अगर ब्रिटिशर्स भी करें तो आईएएस सिविल सर्विस सर्वेंट एक की रोल प्ले करता। तो यहाँ पे ये लोग हिंदुस्तानी ज़्यादा सेलेक्ट हो गए, इनको रोकना तो क्या करना, एज कम कर दो। ओके, ऐसे इस तरीके से ये लोग शुरू कर दिए थे। दूसरा दिल्ली दरबार लगाया था इन्होंने, 1877 में एक लगाया था, 1911 में एक लगाया था दिल्ली दरबार, जबकि बंगाल के इलाके में बारिशें नहीं हो रही थी, लोग भूखे प्यासे मर रहे थे। उनको अगर पैसा देते तो लोगों की भूख से जान बच सकती, लाखों लोग मर गए, लेकिन ये लोग दरबार पे करोड़ों रुपया खर्च, उस ज़माने में लाखों रुपये इन्होंने खर्च किया, लेकिन हिंदुस्तानियों की भूख इन्होंने नहीं मिटाई थी। किस किन लोगों ने? अंग्रेज़ों ने। उनको अपनी शान शौकत दिखाना था। तीसरा था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई थी 1878 में। पूछ सकते हैं आपको, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पाबंदियाँ लगाई थी 1878 में। उसके बाद आर्म्स एक्ट, कौन से ईयर में पूछ सकता आपको, आर्म्स एक्ट, ये भी 1878। एक था एल्बर्ट बिल, एल्बर्ट बिल, ये ईयर नहीं दिया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, या गूगल पे चेक करो उसको एक बार। ये आर्म्स एक्ट क्या था, एल्बर्ट बिल क्या था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था, वो देखेंगे अभी। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट बोले तो कई लैंग्वेजेस थी यहाँ पर हिंदुस्तान में भी। कितनी लैंग्वेजेस है मालूम है हिंदुस्तान में, कितनी लैंग्वेज टोटल? हाँ, 36 लैंग्वेजेस कितनी है पूछा मैं, टोटल जो हिंदुस्तान में लैंग्वेजेस बोली जाती है वो 1143 है, 1643 लैंग्वेजेस बोली जाती है हिंदुस्तान में, 1643, उसमें से रिकग्नाइज्ड जो लैंग्वेजेस है वो 22 है। असल हिंदुस्तान में कितनी भाषाएं बोली है, तो जितने भी उस वक्त पेपर्स निकलते थे लोकल लैंग्वेजेस में निकलते थे, लोकल लैंग्वेज में लोकल एरिया वाला वहाँ का वहाँ पढ़ ले सकता हूँ। मराठी का पेपर यहाँ आया तो मैं नहीं पढ़ सकता, यहाँ का तेलुगु पेपर मराठी वाला नहीं पढ़ सकता, लेकिन लोकल में पेपर्स निकलते, वो पेपर्स लोगों के अंदर पॉलिटिकल जागृति लाते थे, तो उससे अंग्रेज़ों को तकलीफ होती थी, अरे भाई ये लोग अगर जागरूक हो गए तो हमारे को परेशानी हो जाएगी, तो क्या करना है, इनको जागरूक नहीं होने देना। तो किससे जागरूक हो रहे? प्रेस से जागरूक, पेपरों से जागरूक हो रहे, लोकल पेपरों से। लोकल पेपरों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने लगाए थे, उसी को वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कहा जाता है। कब की बात है वो? 1878 की बात है। ओके, उसी को वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कहा जाता, राइट। दूसरा जो था आर्म्स एक्ट, अभी हम अगर कानून के हिसाब से हम हथियार कैरी कर सकते हैं, अभी हथियार कैरी कर सकते नहीं कर सकते, उस वक्त भी नहीं कर सकते थे, मगर आर्म्स एक्ट में 1878 में इन्होंने बोला था हिंदुस्तान में रहने वाले इंग्लैंड अंग्रेज हथियार कैरी कर सकते, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी हथियार कैरी नहीं कर सकता। चलते चलते थोड़ी सी लड़ाई हो गई, समझो इन्हें उसको धक्का मारा, होता ना कभी गाड़ियों में, हमारे पास दोनों के पास भी हथियार नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें उसको मुक्का मारा, उन्हें उसको मुक्का मारा, दोनों का मुंह फूट गया, बस खत्म हो गई,
सपोज अगर एक के हाथ में हथियार है, एक के हाथ में हथियार नहीं है, पहले गुस्से में रहता हूँ, कानून पहले बाद में, गुस्सा रहे पहले निकाल के टक 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 शूट कर देता हूँ। तो अंग्रेजों को रखने की इजाज़त थी, हिंदुस्तानियों को हथियार रखने की इजाज़त नहीं थी, उसी को आर्म्स एक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट एल्बर्ट बिल, ओके एल्बर्ट बिल। ये एल्बर्ट बिल क्या है बोले तो, सपोज जुर्म किससे भी हो सकता ना भाई, हिंदुस्तान में अंग्रेज भी है और हिंदुस्तानी भी है भाई, जुर्म इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता। जुर्म कई किस्म के, चोरी हो सकती या डकैती हो सकती या जो भी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन बींग, चाहे मर्द का हो या औरत का हो, कोई भी हो सकता। अंग्रेज़ अगर जुर्म करता तो उस वक्त जो जजेस थे, जजेस यानी जो क्या बोलते हैं न्यायाधीश, न्यायाधीश हिंदुस्तानी भी होते थे, अंग्रेज़ भी होते थे। अंग्रेज़ अगर कोई जुर्म कर दिया तो उसका जो केस है किसके टेबल पे जाएगा, अंग्रेज़ जो जज है उसी के टेबल पे जाएगा, हिंदुस्तानी जज के टेबल पे उसका केस नहीं जा सकता, वो कानून इसने बनाया था। हिंदुस्तानी ने अगर कोई जुर्म कर दिया तो वो अंग्रेज हिंदुस्तानी के टेबल पे भी जा सकता, अंग्रेज़ के टेबल पे भी जा सकता, उसी को इन्होंने क्या कहा था, एल्बर्ट बिल। एल्बर्ट बिल, एल्बर्ट बिल यहाँ लिखा नीचे, एल्बर्ट बिल, ओके। तो इन सब चीज़ों की वजह से लोगों के अंदर एक क्या हो, क्या आया था, राष्ट्रवाद जागा था। तो ये राष्ट्र टाइम क्या हो रहा, 9:53, ओके थोड़ा सा देख लेंगे, ओके। तो इस किस्म से सबसे पहली बार ओके अब लोगों के अंदर एक जागरूकता आ कि इन लोग सब मिलके एक संगठन बनाना शुरू करे थे। उस किस्म से सबसे पहला जो संगठन बना था उस संगठन का नाम था, ओके सबसे पहला जो संगठन बना था उस संगठन का नाम था भंग भाषा, ओके भंग भाषा प्रसारिका सभा, भंग भाषा प्रसारिका सभा। ये कब बनाई गई थी, 1836 में, कहाँ पे बनाई गई थी, कोलकाता में, ओके। इसके जो पहले सदर थे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। भंग भाषा प्रसारिका सभा 1836 कोलकाता में बनाई गई थी, राजा राम मोहन राय इसके पहले सदर थे, वेरी इंपॉर्टेंट। भंग भाषा प्रसारिका सभा, क्या की आवाज है, मैं समझा शादी होगी क्या की हालत ऐसी होगी क्या की, समझ रहा हूँ। हाँ काम को नहीं, ख्वाजा सारी क्लास को जाओ बोल रहा हूँ, ओके। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जमींदार एसोसिएशन बोलते थे उसको, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। भंग भाषा प्रसारिका सभा हो गया, लैंड होल्डर सोसाइटी ये 1838 में बना था, ये 1838 में बना था, ये भी कोलकाता में बना था। द्वारकानाथ टैगोर थे इसके सदर। ये फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन है, आपको क्वेश्चन आ सकता, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन इन इंडिया बोल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन इन इंडिया, दैट मे बी ए क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता, ओके। नेक्स्ट, द्वारकानाथ टैगोर सदर थे उसके, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, चलो मैं तुम्हारा काम तुम करो, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये 1948 में बनाई गई, 1843 में बनाई गई थी, सॉरी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कब बनाई गई थी, लंदन में बनाई गई थी 38 में, ये भी 38 में। इसके पहले सदर विलियम एडम्स थे, विलियम एडम्स थे, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी।
बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये अलग है फिर से, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये 1843 में बनाई गई थी कोलकाता में, वो लंदन में, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में। उसके बाद मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, हाँ नहीं दिया, नाम नहीं दिया। मद्रास नेटिव एसोसिएशन ये 1852, चेन्नई लक्ष्मी नरसु। उसके बाद बॉम्बे एसोसिएशन, ओके 1852 ये भी, बॉम्बे एसोसिएशन 1852, जगन्नाथ शंकर सेठ, बॉम्बे एसोसिएशन 1852, जगन्नाथ शंकर सेठ। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये 1866 लंदन, दादा भाई नौरोजी, ये एक लंदन दादा भाई नौरोजी। नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1867 लंदन, कारपेंटर मेरी कारपेंटर उनका नाम था, ये एक एसोसिएशन। कौन सा वाला? हाँ नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1867 लंदन, मेरी कारपेंटर। पूना सार्वजनिक सभा 1870 पुणे, एमजी रानाडे, ये एक एसोसिएशन। पूना सार्वजनिक सभा इंडियन सोसाइटी, उसके बाद इंडियन सोसाइटी 1872 लंदन, आनंद मोहन बोस कौन थे? साधारण ब्रह्म समाज वाले, ये वाला ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस। फिर इंडिया लीग बोल के एक था, इंडिया लीग 1875 कलकत्ता, जगदीश चंद्र दत्ता 1872, जगदीश चंद्र दत्ता। मैं प्रिंट मार के एक रेडीमेंट देता हूँ आप लोग, जो लिखे नहीं भी लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट ओके। रेडीमेंट एक व्हाट्सएप डाल देता हूँ, राइट मद्रास यस। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 मुंबई में शुरू हुआ था, ये फिरोज शाह मेहता, इम्पोर्टेंट है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता। तो ये सब एसोसिएशंस का असर कुछ पड़ा क्या हिंदुस्तान में? बोलते यस, क्या असर पड़ा, इफेक्ट क्या हुआ, देखेंगे। फिरोज शाह मेहता 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस तक आ गया, अब कांग्रेस बनने वाली है। हो गया टाइम, छोटा सा टॉपिक है, कर देंगे ना इसको, कल देखेंगे नहीं तो इफेक्ट ऑफ एसोसिएशंस के बाद फिर कल से देख। चलो मैं 10 बज गए, एग्जैक्ट 10 हो गया, ओके।
क्या मैं ऑन हो गया? थोड़ा हिस्से हिस्से स्टार्ट करेंगे कि ये स्टार्ट करेंगे? हाँ भैया, 45 पेज नंबर पे चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, वो कुर्सियों के नीचे कुछ प्लास्टिक का खींच रहे थे। नहीं बोल, फर्स्ट लास्ट टाइम बताया था वो, इस ये मॉडल में नहीं बताया। ओके तो ट्वाइस द एज ऑफ बी, मतलब 2B ना दिख रहा, ट्वाइस द एज ऑफ बी मतलब 2B। ओके 2B में क्या क्या ऐड करना है? ए को ऐड करना है, बी को ऐड करना है, तब क्या होगा? द एज विल बिकम्स, टोटल बिकम्स 59 है, 58 है। इफ द एज, हाँ 59, ए और सी, यस। इफ ए एंड सी इज एडेड द एज बिकम्स 59। ओके इफ द एज ऑफ बी एंड सी आर एडेड टू थ्राइस द एज ऑफ ए, थ्राइस द एज ऑफ ए मतलब बी, सीक्वेंस में लिखेंगे 2B प्लस सी। सो सेकंड क्या बोला? इफ द एज ऑफ बी एंड सी, बी प्लस सी इज एडेड टू द थ्राइस द एज ऑफ ए, 3A, देन द टोटल बिकम्स 68। इफ द एज ऑफ ए इज एडेड टू, ए इज एडेड टू क्या है वो, एडेड टू थ्राइस द एज ऑफ बी एंड थ्राइस द एज ऑफ सी, देन द टोटल बिकम्स 108। वॉट इज द एज ऑफ ए, ए की एज क्या है? अगर ऐसा कोई मॉडल दिया तो इसमें सिंपल एक लॉजिक है, वो लॉजिक आपको मैं बता देता हूँ। सिंपल लॉजिक क्या है इसमें? 3B 3C है, ओके 3B 3C को ये BC है, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? इंटू 3 कर दो, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा? यहाँ लिख रहा हूँ 9A प्लस 3B प्लस 3C, इसको माइनस करो, प्लस माइनस माइनस बोलते हैं, ये माइनस हो आता राइट। तो ये कितना हो रहा? 68 इंटू 3 204, तो 8A इज इक्वल टू, माइनस करो 14 में से 8 गया तो 6 96। सो फाइनली क्या आया हमको? 8A इज इक्वल टू 96, सो ए इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 8 1 1, 8 2, ए की एज जो है वो 12 साल, ए की जो एज है वो 12 साल, लिख लो या ये कर लो। हाँ लिख लिए। ऑफ द एज ऑफ मीना मैरिड 7 years अगो, टुडे हर एज इज 7/5 टाइम्स ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, हर डॉटर एज इज 1/5 ऑफ हर एज, वॉट इज द रेशियो ऑफ मीनास एज एंड हर डॉटर एज आफ्टर 5 years? यस ओके, मीना मैरिड 10 years अगो, टुडे हर एज इज 7/5 टाइम्स ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, यस। क्या है क्लू, क्या मिला इसमें आपको? नहीं, 10 साल पहले और आज की एज में जो डिफरेंस है ना, 7, आज 10 साल पहले मैरिज हुआ, आज की एज, टुडे हर एज इज 7/5 टाइम्स ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, आज की एज और एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर देखे तो 7/5 है वो, तो ये आज की 7 होती कि आज की 5 होती? आज की 7 होती, ओके यानी आज की 7 होती और 10 साल पहले की क्या होती? -10 years की क्या होती? 5 होती, तो 7 - 5 2 points इज इक्वल टू 10 years। ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो सीधा सीधा,
मेरी एज 10 साल पहले सपोज कुछ एज थी, वो एज को और आज की एज का जो रेशियो है वो 5:7 है, 5:7 है। तो उसका मतलब क्या, 7 फर्क कितना है 10 साल का। हम इससे पहले वही करते थे ना भाई, ये फर्क 10 साल का है, और पुरानी और आज की अगर 10 साल पहले की और आज की देखें तो 7:5 है, मतलब 5 10 साल पहले का रेशियो, 7 आज का रेशियो होता है ना। 7 आज सिंगल्स भी निकाल सकते, सिंगल भी निकाल सकते हैं आप यहाँ से। ये 7 आज का रेशियो, 5 वाला पहले का रेशियो, फ़र्क कितना है 10 साल। 7 - 5 2 points = 10 years, 1 point = ये समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये एज निकल के आती है हमको, यहाँ पे इसकी एज क्या आती, 7 5 5 25 थी, आज इसकी एज क्या है, आज इसकी एज क्या है 35 ईयर्स है। यहाँ तक समझ में आ गया, आज की एज जो मीना की है वो 35 ईयर्स है। उसके और उसके डॉटर की एज का डिफरेंस क्या है बोले तो 1/5 ऑफ हर एज। ये अब की एज है ना, ये प्रेजेंट एज की 1/5 उसकी डॉटर एज है आज की तारीख में। तो इसको डिवाइड बाई 7 करें, 7 1 7 5 1/5 तो बोला ना, 5 से डिवाइड करना, 5 से डिवाइड कर 7 जा, तो इसकी 7 है तो इसकी 35 है, 7 1 7 5 1:5 ना। हाँ, ये डॉटर की और उसकी एज आ गई। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द मीना एज एंड डॉटर एज आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स इन्हें क्या होंगे, इन्हें 12 होंगे, इन्हें 40 होगा, होता ही ना। सो 2 6 2 20 2 3 2 10। अब होता नहीं होता, 3:10 इज द रेशियो। वेरी इजी क्वेश्चन, अगर कॉन्सेप्ट समझे होंगे तो। हाँ, एक बार फिर से समझाओ। ओके, मीना मैरिड 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले उसकी शादी हुई। टुडे हर एज इज 7/5 टाइम्स ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। आज उसकी जो एज है और एट द टाइम ऑफ जो मैरिज उसकी एज का रेशियो 7/5 दिया। 7 मतलब पुराना वाला 5, आज का 7, केवल तो बढ़ती ना, बड़ी सो 7 रहता, ये 5 7। तो 7 - 5 2 points, 2 points = गैप कितना है 10 ईयर्स बोला, इसमें दिया ना 10 ईयर्स, तो 1 point कितने का होगा, 5 का हुआ। मतलब 10 साल पहले उसकी एज 25 साल थी, आज उसकी एज 35 साल है। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला, इसके और इसकी बेटी के बीच में आज का जो रेशियो है वो 1:5 है बोला। तो इसको 5 से डिवाइड करें तो 7 7 आ रहा, ये 35 का एक हिस्सा उसकी बेटी की एज होती। आज की तारीख में इसकी एज क्या है 35। क्वेश्चन में क्या बोला, आज की तारीख में इसका और इसकी बेटी का जो रेशियो है 1:5 है, तो इसको 5 से डिवाइड करें तो 7 times जा रहा। तो बेटी की एज 7 होती, इसकी 35 होती, मतलब शादी के 3 साल बाद पैदा हुई उन, शादी के 3 साल बाद पैदा हुई उतनी, मतलब ना 10 साल की गैप था ना शादी के टाइम में, 10 साल था ना वे, ठीक है, राइट, ठीक है, राइट। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला, 5 साल के बाद इनकी रेशियो क्या होगा, 5 साल के बाद क्या होगा, ये 7 साल है, ये 35 साल है, तो 5 साल के बाद इन्हें 12 साल की हो जाएंगी, इन्हें 40 साल की हो जाएंगी। तो इसको आप सीधा अगर कट करें तो 3:10 आता। यहाँ तक समझ में आ गया, एनी डाउट। 2-3 दिन में कांस्टेबल नोटिफिकेशन आने वाला है, जो भी कांस्टेबल ग्रुप 4 वाले अच्छी जम के तैयारी करो, घर में पढ़ रहे हैं, 1400 बच्चे अप्लाई करें मेरे को अभी तक, मैं किसी को मैसेजेस नहीं दे रहा हूँ, मैसेज दिया तो ये भर जाता, टफ हो जाएगा सिचुएशन बोल के मैसेज नहीं कर रहा हूँ। ये समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया, राइट, स्लाइड करो, हो गया स्लाइड, यस। द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ओके, राइट, 45 ईयर्स। 5 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 4 times द फादर एज एट दैट टाइम, द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द सन इज, द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द सन इज,
कोई लॉजिक मिला इसमें? किसी को लॉजिक मिला इसके अंदर? क्या बोल रहे हैं? यस, द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड द सन इज 45 ईयर. सम ऑफ द एज मतलब फादर प्लस सन इज इक्वल टू 45. 5 years ago, the product of the ages were, 5 साल पहले बोल रहा हूँ, 5 years ago, the product of the ages were 4 times the father age at that time. 5 साल पहले बोले तो जब दोनों की सम कितना था, फादर प्लस सन कितना रहता, 40 years, कितना रहता 5 साल पहले ना, फादर और सन कितने रहते, 35 रहते, 5 इसके 5 उसके, दोनों के 5 5 निकालेंगे ना बे, 5 इसके 5 उसके. यहाँ तक समझ में आया? कौन सा समझ में आया? नहीं, हमें 35 कैसा निकल, 35 कैसा लेके आया, राइट? ये 5 years अगो. तो प्रोडक्ट ऑफ द एजेस बोला, एफ इंटू एस का रेशियो क्या है? 4 times द फादर एज, 4 times द, 4 times the father age, 4 times. अगर फादर को x लिए और इसको y लिए तो ये 4x इंटू वाई होता ना, 4x इंटू वाई होता, और 4x इंटू वाई. यस, नहीं नहीं, एक्स इंटू वाई. अगर फादर को एक्स लिए और इसको वाई लिए, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्या बोला उन्होंने, 4:1. यही स्टेटमेंट है ना, 4:1. द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड द सन इज, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड द सन इज, बराबर ही है ना, एक्स इंटू वाई. अच्छा एक सेकंड, ये स्टेटमेंट कहीं रॉन्ग लिखे तो, एक सेकंड. मैंने एक सेकंड, एक सेकंड. सो ये बराबर है, फादर एंड सन की एक्स प्लस वाई लूँ मैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 45, राइट? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 45. तो 10 years पहले क्या होते ये लोग, एक्स प्लस वाई, वही बराबर ही लिखा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 35. 10 years माइनस करें अपन, तो अपन यहाँ पे लिए क्या, फादर को एक्स लिए और सन को वाई लिए, राइट? ओके, तो एक्स इंटू वाई, ये प्लस लिखा मैं, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कितना होता, एक्स इंटू वाई क्या दिया उसमें, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 4x ना, 4 times ऑफ द फादर एज, फादर एज कहती है 4x, राइट? एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 4x. हाँ मैं दिख रहा, अच्छा मैं बीच में आ जा रहा हूँ क्या, मैं बीच में आ जा रहा हूँ. ओके, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 4x, यहाँ तक समझ में आ गया? और एक बार समझाऊँ? ओके भाई, फादर की एज अपन x लिए, सन की एज y लिए, x प्लस वाई 45 years क्वेश्चन में दिया, 10 साल पहले कैसो, अगर एक्स प्लस वाई अगर 10 साल पहले करे 35 years आती, 5 साल बाप के कट होते, 5 साल बेटे के कट हो जाते. ओके, यहाँ तक समझ में आएगा, 35, राइट? ओके, नेक्स्ट क्या बोला, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड द सन इज इक्वल टू 4x बोला, वहाँ पे स्टेटमेंट में है देखो, तो एक्स और वाई इज इक्वल टू 4x, 4 times द फादर एज बोला, ये 4 times द फादर एज ही है ना,
सो एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 4x, राइट? एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, सॉरी एक सेकंड, इसकी x लेंगे, नहीं एक रहने दो, चलो इज इक्वल टू एक्स और y, ओके। सो एक्स इंटू क्या, 4 times दी फादर एज बोला ना, यस, इसको y लो, इसको x लो, ये तो बराबर रहता हूँ, y प्लस x, और इसको भी y इंटू x, 4y होता है, 4 times ऑफ द फादर एज ना, 4 time ऑफ द फादर एज, तो हमारा ये y अगर x इज इक्वल टू क्या आता, x इज इक्वल टू क्या आता, 4। क्वेश्चन क्या पूछा था, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इन द सन इज, हाँ तो सन कितना हुआ, सन 4 years हुआ, तो ये प्रेजेंट है ना, तो फादर कितना होता, 41, सन 4 हुआ तो फादर 41, प्रेजेंट में चेना है 45 years का, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द सन इज, तो 41 + 4 इज इक्वल टू 45, तो बाप की 41 साल होती, बेटे की 4 years। वॉट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द सन इज बोला ना, वॉट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द सन इज, नहीं समझ में आया, कि काम करो बड़ा करके लिखो, वॉट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड द सन इज बोला, द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड द सन इज 45। अगर फादर को वाई लिए और सन को अगर एक्स लिए, तो क्वेश्चन में क्या दिया, 45 years, ये क्या है, ये द सम ऑफ द फादर एंड द सन 5 years अगो है, ये सही है, 5 years अगो है, तो प्रेजेंट में क्या आएगा, वो y प्लस एक्स इज इक्वल टू, प्रेजेंट में 35 आता, ओके सर राइट, प्रेजेंट में 35 आता राइट, और एक क्वेश्चन क्या दिया आपने को, एक्स वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया है 4y, क्योंकि y फादर है, दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या आएगा, 4y आएगा, 4 times ऑफ द फादर एज, फादर क्या है, y, तो y कैंसिल करें तो x इज इक्वल टू क्या आता, 4 आता, अच्छा ये 4 years अगो वाला है ना, तो ये प्रेजेंट है, तो तब ये 31 और 4 होगा, 31 और 4 होगा, अभी भी समझ में नहीं आया, हाँ राइट, ओके, हाँ 5 years अगो, हाँ क्वेश्चन पढ़ो, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड द सन इज 45 years, 5 years अगो, 5 साल पहले दोनों की 45 years थी, तो प्रेजेंट में दोनों की 35 आएंगे, हाँ 36, इट इज सन एंड डॉटर, द एज ऑफ द फादर इज 4 times द एज ऑफ द डॉटर, एंड द एज ऑफ द सन इज हाफ ऑफ द मदर, द वाइफ इज 10 years यंगर टू हर हस्बैंड, एंड द ब्रदर इज 6 years ओल्ड टू हिज सिस्टर, वॉट इज द एज ऑफ हिज मदर, कोई करेंगे या मैं करूँ सॉल्व, ये मॉडल SI में आ सकते, कॉन्स्टेबल में नहीं आते, ठीक है, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली राइट, ओके, इन ए फैमिली ए कपल हैज ए सन एंड ए डॉटर, मतलब वाइफ और हस्बैंड है, ओके ये दो कपल है, इनको क्या है, एक सन है और एक डॉटर है राइट, ये मैं 2 एरो मार्क लगा दी, ये 4 आ गए, द एज ऑफ द फादर इज 4 times द एज ऑफ द डॉटर, डॉटर ये है, तो ये एक्स है, तो ये 4x है, होता है ना, 4 times द एज ऑफ, मोर कवर्ड नहीं है, 4 times द एज ऑफ द डॉटर, एंड द एज ऑफ द सन इज
हाफ ऑफ द मदर द वाइफ इज 10 ईयर्स यंगर टू हर हस्बैंड. ये हस्बैंड है ना, 10 ईयर्स यंगर बोले तो 4x-10 लिख सकता हूँ मैं इसको, 4x-10 राइट. ओके नेक्स्ट क्या बोला, द ब्रदर इज 6 ईयर ओल्डर टू हर सिस्टर. 6 ईयर ओल्डर बोल रहा, ओल्डर का मतलब बड़ा है, तो ये सिस्टर है तो इन्हें एक्सप्रेस 6 होता ना, होता कि नहीं होता राइट. बीच में एक स्टेटमेंट छोड़े अपन, द एज ऑफ द सन इज हाफ ऑफ द मदर बोला, द एज ऑफ द सन इज हाफ ऑफ द मदर. ये एज ऑफ द सन है ओके, इज हाफ ऑफ द मदर. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस 6 इज इक्वल टू 4x-10/2 ऐसे आएगा, हाफ ऑफ द एज ऑफ द मदर. से स्टेटमेंट मिला ना पूरा, द एज ऑफ द सन इज हाफ ऑफ द एज ऑफ द सन इज हाफ ऑफ द मदर. ओके यस. नेक्स्ट क्या बोला आपने को, एंड द ब्रदर इज 6 ईयर ओल्डर टू हर सिस्टर, व्हाट इज द एज ऑफ हिज मदर. यस इसको सॉल्व कर लो, मैं इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ ना राइट. सो 2x+12 इज इक्वल टू 4x-10 होता ही ना. हाँ अगर मैं माइनस को इधर लग गया तो प्लस होता, 22 इज इक्वल टू 4x-2x ना. हाँ सो 2x इज इक्वल टू 22, x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11. तो हमारा क्वेश्चन क्या था, x इज इक्वल टू 11 बोलते हो, इनो कितने साल की हुई, 11 साल की. इनो कितने साल का हुआ, 4x मतलब इन्हें 44, मतलब इन्हें 34, मतलब इन्हें 17 होता ही ना. 44-10 34 ही ना. अरे क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द एज ऑफ हिज मदर, 34 राइट. समझ में आ गया, हाँ क्या बोल रहे, फर्स्ट स्टेप समझ में नहीं आया. ओके देखो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, एज इन ए फैमिली, ए कपल, एक कपल है, कपल को ही फैमिली कहेंगे राइट. उसके क्या क्या है, एक डॉटर एक है, एक सन है. स्टेटमेंट में कह रहा है द एज ऑफ द फादर इज 4 times द एज ऑफ द डॉटर. डॉटर और फादर को देखे तो 4 times है, कौन, फादर 4 times है. तो डॉटर को अगर एक्स लिए तो हस्बैंड को, हस्बैंड यानी इसके फादर ही हुआ ना, तो उन्हें 4x है, 4x. फिर स्टेटमेंट में क्या दिया आपने को, द एज ऑफ द सन इज हाफ द एज ऑफ द मदर, वहाँ उसको मैं नहीं लिया अभी. नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द वाइफ इज 10 years यंगर टू हर हस्बैंड, वाइफ 10 ईयर यंगर है हस्बैंड से, हस्बैंड 4x है तो वाइफ क्या होगी, 4x-10 राइट. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया, एंड द ब्रदर इज 6 ईयर ओल्डर टू हर सिस्टर, सिस्टर x है तो ब्रदर क्या होगा, x+6 होगा, ब्रदर क्या होगा, x+6 होगा. अब वो जो स्टेटमेंट छोड़ा मैं उसको लिया, द एज ऑफ द सन इज हाफ द एज ऑफ द मदर, एज ऑफ द सन ये है, मदर की एज 4x-10 तो हाफ द एज ऑफ द क्या क्या है वो, द एज ऑफ द सन इज हाफ द एज ऑफ द मदर, मदर की आधी एज क्या है, सो एज सन की एज के बराबर है, तो सन की एज ये है, मदर की एज ये है, उसको मैं डिवाइड बाई 2 करा, ये देखो 34 और 17 ओके इसको डिवाइड करे तो होता ही आता राइट. तो यहाँ से स्टेटमेंट निकल के आया अपना, तो अपन क्या करें उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2x+12 इज इक्वल टू 4x-10 करें, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करें, 2x+12 इज इक्वल टू 4x-10, तो अपने ये स्टेटमेंट निकल के आया. तो अभी क्या बचा आपने को, ये 2x को मैं इधर लिया तो 4x-2x हो गया ओके, ये माइनस को इधर ले गया तो प्लस हो गया, तो 22 इज इक्वल टू 2x होता, 4x-2x 2x, सो 22 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 11, मतलब बेटी 11 साल की थी, बाबा 34 साल के थे, उसमें से माइनस 10 करे तो अम्मा की उम्र आती 44 साल, ये 34 साल. क्वेश्चन में वैसे भी दिया इन्हें 17 साल, माँ और बेटी की उम्र में डिफरेंस क्या है, बेटी की एज को डबल करे तो माँ की एज आती, या माँ की एज को आधा करे तो बेटी की एज आती, स्टेटमेंट में था ना. द एज ऑफ द सन इज हाफ द हाफ ऑफ द मदर, सन की एज 17 साल निकली ना हमारे स्टेटमेंट से,
हाफ द एज ऑफ द मदर, इसकी आधी करे तो बेटे की एज निकल गई। मतलब इसमें क्या हुआ, इनो छोटे तो बेटा बड़ा हो गया। बेटी की उम्र 17 साल थी और इसकी 34 साल, मतलब बेटा 17 साल पहले पैदा हुआ, यानी बेटा जब पैदा हुआ उस वक्त अम्मा की उम्र 17 साल थी, होते ही ना, ओके। यानी शादी कम से कम एक साल पहले हुई होंगी, यानी 16 या 15 साल में हुई होंगी, चाइल्ड मैरिज था। चाइल्ड मैरिज था, चले ले चीटिंग मार लो। इयर्स मोर देन ट्वाइस द स्नेह ऑफ ट्वाइस द एज ऑफ स्नेहा, बड़ा बड़ा लिखो, ओके। ट्वाइस द एज ऑफ स्नेहा बोले तो ये 2x, अगर उसको 2x लिए तो ये स्नेहा है, स्नेहा बोल तो 2x, ओके। 5 इयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ स्नेहा, सॉरी स्नेहा को अगर x लिए तो इसको 2x प्लस 5 होता हो, ये मदर होता, ये स्नेहा होता। यहाँ तक समझ में आया ये स्टेटमेंट समझ में आया। स्नेहा मदर एज इज 5 इयर्स मोर देन द ट्वाइस द एज ऑफ स्नेहा, स्नेहा की अगर x है तो इसकी 2x प्लस 5 है, ट्वाइस द एज ऑफ स्नेहा प्लस 5 इयर्स मोर, ये समझ में आ गया, राइट। नेक्स्ट क्या बोला, व्हेन स्नेहा वाज बर्न हर ब्रदर राहुल वाज 4 इयर्स ओल्ड, स्नेहा जब पैदा हुई होंगी तो पहले स्नेहा की एज आना पड़ता, तभी स्नेहा को अपन x लिए, तो अभी इसको रिलेट नहीं कर सकते। यस, अच्छा यहाँ, यस करेक्ट, यहाँ लॉजिक है। तो व्हेन स्नेहा वाज बर्न हर ब्रदर राहुल वाज 4 इयर्स ओल्डर, जब पैदा हुई, जब चाहे पैदा हो चाहे पैदा होने कुछ दिनों के बाद हो, एज का गैप हमेशा सेम रहता बोला मैं, तो अब अगर भी लिए तो उसके ब्रदर की एज क्या होंगी, एक्स प्लस 4 होंगी। भाई पैदा हुए जब रहने दो या बाद में रहने दो या कभी भी रहने दो, एज का गैप हमेशा सेम रहता बोला। अब की अगर लिए तो उस वो स्टेटमेंट, पैदा हुए जब 4 साल का बड़ा था, मतलब अभी 4 साल का बड़ा है ना, तो अभी ने एक्स है तो ने एक्स प्लस 4 है, ये समझ में आ गया, राइट। नेक्स्ट, हाँ, एंड हर फादर वॉज 2 ईयर्स ओल्डर देन हर मदर, तो फादर कितना होता, मदर कितना है, यस 2x प्लस 7 होता, राइट, 2 साल का बड़ा है। इफ द एवरेज एज ऑफ हर मदर एंड द फादर इज 46, अब आया देखो, 2x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45, मतलब इसका आंसर क्या निकलता, 2x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 90, 46 है तो ये 92, हाँ हाँ, एवरेज तो टोटल क्या होगा, इससे पहले लिखा है ना जी एवरेज, ए प्लस बी बाई, अगर ए और बी का दोनों का एवरेज अगर 46 है तो टोटल कितना होता है, ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू, ये एवरेज में परसों कराया ना एक मॉडल, तो टोटल एज क्या होती, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं है, टोटल 96 कैसा लिखा मैं, क्या मैं समझ में आया भाई, इसका दोनों की एवरेज अगर 46 है तो टोटल एज क्या होती, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 92, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 46, वो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होता, स्टेटमेंट से निकाले अपन उसको, राइट, ओके। अब ये क्या हो गया, 2x प्लस 2x, 4x प्लस 12, 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 92, 4x इज इक्वल टू 92 माइनस 12, सो 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 20, यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा आपने को, फाइंड द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राहुल एंड स्नेहा, राहुल और स्नेहा कहाँ है, यहाँ पे है, ये 20 है, ये 24 है, रेशियो पूछा ना, 24, तो 4 6 5 6 इज द आंसर,
होता है ये लाइन, ये लाइन अगर समझ गए तो आप आंसर निकाल लेते। ये क्या बोला उन्होंने, माँ और बाप की दोनों क्या जो एवरेज है वो कितना है, 46 बोला। तो ये माँ है, ये बाप है, ये बाप है, माँ और बाप दोनों की एज का एवरेज 46 है। मतलब ये 2x + 5 + 2x + 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45, ये एक्सप्रेशन आता। ओके, ये एक्सप्रेशन आता। तो मैं ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर टोटल एज आ गई। टोटल एज में से क्या है, सो x की वैल्यू निकाला। वो एवरेज के वर्ड को अगर समझ गए तो आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। हालांकि इतना बड़ा कांस्टेबल वाले टेंशन की जरूरत नहीं है, एसआई वाले थोड़ा सा रिहर्सल करना इन चीज़ों की। एसआई कौन कौन लिख रहे हैं, ग्रेजुएट्स कौन कौन है, हाँ तो तुम लोग थोड़ा सा ये मॉडल्स की रिहर्सल करना। और तुम लोगों के लिए मैं स्पेशल मैथ्स भी लेने वाला हूँ, तब वो जो मॉडल क्वेश्चन नंबर 9 जो छोड़ा ना, क्योंकि वो कांस्टेबल में नहीं है, बहुत कन्फ्यूज होते हैं बच्चे, बोल के उसको स्किप कर दिया। समझ में आया, ओके, दैट्स व्हाई स्किप इट। ओके राइट, हाँ हाँ उत्तर, व्हाट इज द एजेस ऑफ राहुल एंड स्नेहा, फाइंड द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राहुल एंड स्नेहा बोला। एक्स की वैल्यू क्या है अपने को, 20, तो इसका ब्रदर ये राहुल है, यही राहुल है ना, तो एक्स प्लस 24, मतलब 20 + 24 = 24 इसकी एज आई। ये स्नेहा की एज 20 साल थी, हाँ और 5:6 वही है ना, एज नहीं पूछा, रेशियो पूछा। फाइंड द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राहुल एंड स्नेहा, राहुल और स्नेहा की एज का रेशियो, राहुल का 6 ही डाला ना, हाँ तो ये स्नेहा है, ये राहुल है, अच्छा ओके ओके, हाँ राहुल एंड स्नेहा बोल तो 6:5 आता है, ये 6:5 आता, समझ जाते तुम ना, समझाओ तो पहले राहुल लिखो बोल रहे थे तेज ना, ओके ठीक। कैसा सॉल्व करा, ये तो समझ में आया ना, थोड़ा सा आर्ट्स वालों को थोड़ा सा टफ जाता, बाईपीसी वालों को थोड़ा सा टफ जाता, लेकिन साइंस वालों के लिए इजी है। यस, अच्छा अब नेक्स्ट एक मॉडल स्टार्ट हो रहा, वो ना एसआई में है ना कांस्टेबल में, स्टाफ सिलेक्शन का है, उसको सेफ सेट में हम कब सीखेंगे, इससे का जब स्पेशल कर मैथ्स कराता हूँ ना तब से ही, कांस्टेबल में तो 100% नहीं आता वो मॉडल। स्लाइड करो, स्क्रॉल करो एक बार, स्क्रॉल करो, हाँ ये मॉडल्स 100% नहीं, अच्छा ये एक चेक में, नीचे करो, अरे एवरेज मॉडल ये आता, 100% आता है क्वेश्चन कांस्टेबल में, ये करना पड़ता, ये लिख लिए, हाँ मेट देता हूँ अगर लिख लिया तो। क्या बात है, आज गर्ल्स भी कम है बॉयज भी कम है आज, हाँ रमजान है, मैं थोड़ा समझ सकता हूँ तुम लोगों की प्रॉब्लम को। एवरेज मॉडल इम्पॉर्टेंट, ये हो गया, रब करूं, यस एवरेज मॉडल वेरी इम्पॉर्टेंट, वो अभी करे वैसे अपन इनडायरेक्टली, एवरेज मॉडल कंपलसरी आता है कोई ये मॉडल में से। क्या बोला देखो, इन ए फैमिली द एवरेज एज ऑफ फादर एंड द मदर इज 35, फादर प्लस मदर कितना है 35 एवरेज है, तो इसका एक्चुअल हम कैसा लिखेंगे, फादर प्लस मदर बाई 2 इज इक्वल टू 35, तो फादर प्लस मदर की टोटल एज क्या होती 70, ये टोटल एज है, ये एवरेज एज है, ये टोटल एज है, समझ में आया ना। तो ये अगर लॉजिक समझ गए तो आप एवरेज का कौन सा भी मॉडल का क्वेश्चन कर सकते हैं।
मैं और एक बार समझाता हूँ, देखो ओके और एक बार समझाता हूँ। सपोज मेरी एज 30 है या 25 है, ओके और मेरी वाइफ की एज 45 है, क्यों नहीं रह सकते? बुरा है उसमें कुछ तो भी। सैफ अली खान की और क्या नाम था वो, अमृता राय की जब शादी हुई थी तय गैप था, उन्हें तो 22 का था, अभी तो उन्हें 40 के आसपास थी, समझ में आया ना? नहीं तुम लोगों को क्या एतराज है, मेरी मर्जी भाई। हाँ तो तुम कैसे फील हो रहे? नहीं मेरी जिंदगी फंस रही, तुम्हारा क्या जा रहा? टोटल के अब ये यस ये कोने में ये मैं ए समझो ये बी समझो, तो अगर क्वेश्चन में क्या देता, दोनों की वाइफ एंड हस्बैंड की एज का एवरेज 35 है, अब इन दोनों को प्लेस करो कितना होता, 70 हो रहा। ये 25 प्लस 45 इज इक्वल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 35, तो ये ए है ये बी है। तो एग्जामिनेशन में क्या देता, एग्जामिनेशन में जो लाइन देता ना वो लाइन को समझो, द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 35 बोलता, तो उसका एक्चुअल मतलब क्या आता बोले तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 35, वो मतलब आता उसका। ये लाइन समझ में आई तो एवरेज का क्वेश्चन समझ में आता, ओके तो अब देखो मेरी एज 25 है और मेरी बीवी की एज 45 है, दोनों की एज का सम कितना होता, 70, लेकिन क्वेश्चन में क्या देता, द एवरेज एज ऑफ ए वाइफ एंड हस्बैंड इज 35 बोलता। एवरेज एज 35 का मतलब ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 35, वो उसका मतलब वो, तो दोनों की टोटल एज कितनी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 70 होता है, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई होता, जब भी मैं वही करा स्नेहा के उसमें भी देखे ना, स्नेहा के उसमें भी मैं वही फंडा फॉलो करा, यहाँ तक समझ में आया राइट? तो एवरेज एज ऑफ द फादर एंड द मदर इज 35 बोला, मतलब टोटल एज कितनी है फादर एंड मदर की, 70 है, यहाँ तक समझ में आएंगे राइट? ओके नेक्स्ट क्या बोला, द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड सन इज 27, सो फादर प्लस मदर प्लस सन इज इक्वल टू 27, ये स्टेटमेंट दिया, ये एवरेज एज है, तो इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता, डिवाइडेड बाई 1, 2, 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल 27, क्योंकि 3 पर्सन है, ओके तो कितना होगा वो, फादर प्लस मदर प्लस सन इज इक्वल टू 81, ये टोटल एज है। अब फादर और मदर की टोटल एज कितना है, फादर एंड मदर को मैं माइनस करके यहाँ पे 70 प्लस सन इज इक्वल टू 81 लिख दिया। क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द एज ऑफ सन बोला, सन की एज क्या होती, हाँ सन इज इक्वल टू 81 माइनस 70 विच इज इक्वल 11, ये समझ में आया कि नहीं आया, किसको किसको समझ में नहीं आया? हालांकि ये माइंड कैलकुलेशन है, इसको आप माइंड से कैलकुलेट भी करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कराओ टच पर, माइंड कैलकुलेट करके भी आप डाल सकते हैं। एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 35 तो 70 होता, ओके तो फादर मदर एंड चाइल्ड इज इक्वल 27 होता 81, 70 माइनस 81 11, माइंड पे कैलकुलेट करके 10 सेकंड में डाल सकते हैं। मैं तुम लोगों को समझाने के लिए इतना लंबा समझाया, जबकि आप वो करें तो कितनी देर में कर सकते हैं उसको, सेकंड्स में आंसर निकल के आता। एवरेज में और सम में बहुत बड़ा फर्क है, एवरेज एज से आप सम निकाल सकते हैं, और ये पेन से लिख के कराया था, वो स्लाइड पे दिख रहा होता है, मेरे को मालूम है कराया था, यस स्लाइड करो, हो गया स्लाइड करो नेक्स्ट, यस 5 years ago the average age of A plus B plus C and D is 45 years, कौन करते हैं, करते अरे मैं करते तुम्हारे बाजू करते करो, कौन कौन कर सकते हैं इसको करो,
किसको किसको आ रहा आंसर? जसविंदर करो, हम मालूम है कर रहे सो, स्लाइड पे नहीं दिख रहा था ना, अब थोड़ा प्रिंट में दिखा रहा हूँ, थोड़ा अपसेटिल हुए अपन, थोड़ा सा यानी क्लास थोड़ी सी अपसेटिल हुई। आगे आंसर अजर कितना आया? 45। ओके चलो यहाँ देखो, 5 years ago द एवरेज एज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एंड डी इज, तो उसका मतलब क्या था? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितने लोग आए, तो डिवाइड बाई कितना डालना हमें? 4 इज इक्वल टू 45, मतलब टोटल एज कितनी आती? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 180। ये कितने साल पहले है? 5 साल पहले। तो प्रेजेंट में इसके 5, इसके 5, इसके 5, इसके 5 ऐड करेंगे, प्रेजेंट में टोटल कितना आता? 200 आता। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 200 आता। नाउ द एवरेज एज ऑफ ऑल दी 5 इज 49। ई जॉइन हुआ यहाँ पे, ई जॉइन हुआ तो 49 आ रहा एवरेज एज, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई कितना? 5। डिवाइडेड 5 का मतलब मल्टीप्लाई बाई 5 होता, तो कितना होता वो? 245 टोटल होता। तो इसका मतलब क्या आता? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 245। क्वेश्चन क्या पूछा? इस 49 हाउ ओल्ड इज ई, ई की एज क्या है? ई की एज क्या है? तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है? 200 है। 200 प्लस ई इज इक्वल टू 45। 200 प्लस ई इज इक्वल टू 245। ई इज इक्वल टू 245 जब इधर आएगा तो वो माइनस होगा, तो ई इज इक्वल टू 45। किसको किसको आया था ये? आया था, वेरी गुड। किसको आया था? और गर्ल्स में और चिंदा इनतक मुझे झूपेटी ना आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन उल्टा स्लाइड करो। एट द टाइम ऑफ द मैरिज द एवरेज एज ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड इज 25 years। ये आंसर किसको आ रहा? आंसर बोलो, आंसर आंसर क्या है? द एज ऑफ द चाइल्ड इज 6 years। ओके अजर आया? 12 years, 2 years। ओके और किसी को आया? और एनीबडी गॉट? एट द टाइम ऑफ द ऑफ देयर मैरिज द एवरेज एज ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड इज 25 years। 4 years अगो इधर है या उधर है? खैर मैं क्वेश्चन में की को चेक कर लेता हूँ। नहीं, 58 होता, 4 इसके 4 उसके। आज की तारीख में कितना होता? 58 होता, 4 इसके 4 उसके, राइट? ओके यहाँ तक समझ में आया? नहीं आ रहा? नहीं आया तो सीधा बोलो। एवरेज एज ऑफ द वाइफ एंड द हस्बैंड, वाइफ प्लस हस्बैंड कितना है उसमें? 25 बोला, तो इसका ये एवरेज एज है, ये एवरेज एज है, एवरेज एज। टोटल एज निकालना है तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, मतलब ये मल्टीप्लाई इधर उधर होता, वाइफ प्लस हस्बैंड इज इक्वल टू 50 होता। ये 4 years अगो है, तो आज की तारीख में इसके 4 और उसके 4 मिला है तो 58। ओके यहाँ तक समझ में आ गया? ओके द एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड चाइल्ड एंड वाइफ इज 20। हस्बैंड प्लस चाइल्ड प्लस वाइफ इज इक्वल टू 20, मतलब टोटल कितना होगा? 60 होता, तो 60 माइनस 58 इज इक्वल टू 2 years। 2 years किसको किसको आया था? वेरी गुड, बच्चा 2 साल का है। अजर 4 years अगर में 12 साल कैसे आ गए तुम्हारे? 2 years आया था। हाँ ओके राइट, स्लाइड करो ऊपर। हाँ 58 लेना, 54 कैसे लेते भाई? 4 साल इसके 4 साल उसके, दोनों के ना, वहीं से कन्फ्यूजन और लॉजिक वही है आपका। हाँ नेक्स्ट
द एवरेज एज ऑफ सिक्स सन्स ऑफ ए फैमिली इज 8 ईयर्स। हाँ सिक्स सन्स ऑफ ए फैमिली इज 8 ईयर्स, मतलब 8 6 48, टोटल एज क्या होती 48 होती, 8 6 48 होती, टोटल एज 48 होती, 68 आ रहा, ओके। विद द पेरेंट्स, विथ पेरेंट्स इट इज 22 ईयर्स, विथ फैम विद द पेरेंट्स इज 22 ईयर्स। तो 22 × 8 कितना हो रहा 176 होता। हाँ भाई, 6 जने थे, फिर बाद में बाप और फादर, पेरेंट्स बोल तो माँ और बाप ना जी, 6 बच्चे, माँ और बाप दोनों, टोटल कितने 8 जने हो गए, नहीं? हाँ, खान्स की फैमिली दिख रही, 6 बच्चे आज की तारीख में बोलता हूँ, खान साहब ये लोग ही कर सकते हैं, पठाना उनसे पॉसिबल है, वरना 1-2 पे फैमिली पे रहेंगे, नहीं? ओके ठीक है, राइट ओके। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया, हाँ टोटल एज क्या होगी, अब 176 होगी। द फादर इज 8 ईयर्स ओल्डर टू द मदर देन द एज ऑफ द मदर इज बोला। तो अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 176 में माइनस 48 करेंगे। हाँ 176 माइनस 48 कितना हो रहा 128। सो 128 इज इक्वल टू ओके एक्स प्लस कितने ईयर्स बढ़ाए उन्हें, x+8। ये बाप है, ये माँ है, माँ को अगर x लिए तो बाप माँ से 8 साल बड़ा है, x+8 ओके ये ब्रैकेट नहीं आएगा। सो यहाँ क्या होगा, 2x+8 इज इक्वल टू 128। सो 128 ये जब इधर आएगा तो -8 इज इक्वल टू 2x, सो 120 इज इक्वल टू 2x, सो x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू क्या होता 60। तो माँ की एज क्या हुई 60 साल, बाबा की एज 68 ईयर्स। क्वेश्चन में क्या था, व्हाट इज द एज ऑफ द मदर आया था, अजर ये 60 ईयर्स आया था, राइट हाँ रिपीट करूँ ओके। क्वेश्चन में क्या पूछा, द एवरेज एज ऑफ सिक्स सन्स ऑफ ए फैमिली इज 8 ईयर्स, a+b+c+d+e+f+g, 1 2 3 ओके एफ तक, 6 बोल तो हो गया ना जी, 1 2 3 4 5 6। एवरेज क्या बोला 8 हुआ, मतलब डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 8 होता हो उसका मीनिंग वो। तो टोटल 6 बच्चों की एज क्या निकल के आएंगी, टोटल क्या निकलेंगी 148 आता, 148 टोटल एज आती 6 बच्चों की। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। सेकंड में क्वेश्चन की लाइन क्या बोला, पेरेंट्स को जब ऐड करें तो एवरेज एज 22 ईयर्स भी बोला, पेरेंट्स बोलते 6 प्लस माँ और बाप टोटल 8 जने, 8 जनों की टोटल एज कितनी है, सॉरी एवरेज कितना है, टोटल एज कितनी आती 8 जनों की 22 × 8 विच इज इक्वल टू 176। उसमें माँ की एज क्या है बोल रहा, और माँ की एज क्या है पूछने में एक लाइन क्या दिया, माँ और बाप, माँ क्या है सो बाप से 8 साल छोटी है बोला, यानी माँ से बाप 8 साल बड़ा है, बाप का भी बड़ा ही रहता नहीं, सब सैफ अली खान अमृता सेन थोड़ी रहेंगे, कम चांसेस हो नहीं ओके। तो टोटल एज माँ और बाप की क्या निकल गई 176, माँ बाप प्लस 6 बच्चों की टोटल एज 176 निकल गई, उसमें बच्चों की एज कितनी है 48 माइनस कर लो 128 बचा ओके। तो ये 128 अगर एक्स अम्मा है तो एक्स प्लस 8 बाबा होता, क्यों, बाबा की एज 8 साल बड़ी है, ये x+x 2x+8 इज इक्वल टू 128, ये 8 इधर जाएगा तो -8 होगा, 2x इज इक्वल टू 128 माइनस x, तो 120 इज इक्वल टू 2x होता ही ना, 2 × 1 = 260, x इज इक्वल टू 60, मतलब अम्मा की एज 60 साल थी, हाँ अम्मा की एज 60 साल थी, राइट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते, लिख लो,
अम्मा की एज 60 साल थी। हाँ क्या बेटा, लेट आ रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? करो, कर लिए? अच्छा, तुम लोग के पास क्वेश्चन है क्या? ओहो, बॉयज के पास? बॉयज खुद ही एक क्वेश्चन है, उसका आंसर गर्ल्स है। मैंने बोला बेटा ये राइट। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड सन इज 42 ईयर्स। टोटल कितने जने हैं? तीन जने, तो कितना होगा? 42 × 3, टोटल एज आएंगे 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 126। तीनों की टोटल एज कितनी आई? 126 है। यहाँ तक समझ में आ गया? राइट। द सन गॉट मैरिड, जाहिर बात है बेटे की शादी, बेटा रहा तो शादी तो होंगी, नहीं बिना शादी के उसको रख नहीं सकते, नहीं? ओके, तो बेटे की शादी हुई, अच्छा सीन है। एंड द चाइल्ड वॉज बर्न, जाहिर बात है शादी हुई तो बच्चा तो पैदा होगा, होता नहीं होता? होता। तो दे एंड दिस द सन गॉट मैरिड एंड चाइल्ड वॉज बर्न 1 ईयर आफ्टर द एज ऑफ मैरिज, यानी जो बेटा था उसमें का, उसकी शादी के 1 साल के बाद चाइल्ड पैदा हुआ, राइट? ओके। व्हेन द चाइल्ड टर्न 5 ईयर्स, देन द एवरेज एज ऑफ द फैमिली बिकम्स 36। तो अब कितने जने हो गए? ये माँ, ये बाप, प्लस उसका बेटा, प्लस उसकी वाइफ, प्लस उसका सन, 5 ही ना थी, 6 कैसा होता है? ये और एक कहाँ से लाए? और एक होने टाइम है अभी, पहले पहले राइट। When the child turned 5 years, the average age of the family becomes 36. मतलब 36 × 5 कितना हुआ? 180 हुआ। चाइल्ड की उम्र क्या है? 5 साल है, ओके? तब एवरेज एज क्या होगी इनकी? 180 होगी, ओके। क्वेश्चन क्या पूछा? वॉट इज द एज ऑफ द डॉटर इन लॉ एट द टाइम ऑफ मैरिज, बोला। एज ऑफ डॉटर इन लॉ एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो हम क्या करेंगे अब इसमें? 180 में से 126 माइनस करेंगे, क्योंकि ये तो किसकी एज है? माँ बाप और बेटे की एज है, तो बचते कौन कौन? वो माँ, दूसरे माँ बेटा, बाद में ऐसा माँ बेटा यानी बहू, फिर उसका बेटा बच जाते, राइट? लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक है, वो लॉजिक क्या है? ये 126 ईयर्स टोटल एज तो है, किनकी किनकी है? फादर प्लस वाइफ प्लस सन की टोटल एज कितनी? 126, ओके? 1 साल के बाद बेटा पैदा हुआ, हाँ 1 साल के बाद बेटा पैदा हुआ, बेटा जब 5 साल था, जब टोटल एवरेज 180 आया, तो अब हमको क्या करने का है इसमें? इसमें सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स, ये जब 180 जब पहुँचेगा तो इसमें 6, 6 और 6 ऐड हो जाएंगे, तो कितने ऐड करना है? 18 ऐड करना है, ठीक है? तो कितना हुआ? 144 माइनस करो 36, 36 में से 5 साल बेटे का माइनस करना, 31 के ऐसो किसको आया था? ये आया था, ओके। किसको किसको आया था? अजर नहीं आया, ओके। आंसर क्या है हमारा? 31। अच्छा, एट द टाइम ऑफ मैरिज बोला ना, ये 31 तो प्रेजेंट है, फिर इसकी भी 6 साल माइनस करना, इसकी भी 6 माइनस करना, 25 आती। गलत कह रहा था, रॉन्ग आया था आंसर। इसकी भी 6 माइनस करेंगे ना अभी, बच्चे के 5 साल फिर इसके 6 साल, क्योंकि बच्चा जब हुआ था जब, इन्हें तो 6 साल बढ़ गई थी ना, और 25 ईयर्स इज द आंसर। एट द टाइम ऑफ मैरिज पूछा, ये समझ में आया कि नहीं आया किसी को? ये तो सीक्वेंस समझाता हूँ, सीक्वेंस समझाऊँ?
मैं शॉर्टकट में बोला, इसको सीक्वेंस समझाता हूँ। आप सीक्वेंस देखो, ये फादर है, ये मदर है और ये उनका बेटा है। तीनों की एवरेज क्या है बोला था उन्होंने? 42 बोला। तो तीनों की टोटल एज क्या निकल के आती? डिवाइडेड बाई 3 बोले तो फादर प्लस मदर प्लस सन की एज क्या निकल के आई? 126 निकल के आई। ओके, 126 निकल के आई। फिर इसकी शादी हुई, फादर प्लस मदर प्लस सन प्लस वाइफ, इसकी शादी हुई। अब ये पॉइंट पे यहाँ पे रुक गए अपन। इसकी शादी हुई, इसकी शादी हुई, इसकी शादी होने के एक साल के बाद, एक साल के बाद ना, मतलब फादर प्लस वन मदर प्लस, एक एक ऐड करो इसमें, 1 1 1 1 होता ही ना, एक साल के बाद बच्चा पैदा हुआ। तो बच्चा जब 0 साल का, अभी तो पैदा हुआ ना वो, राइट? जिस वक्त उन्हें 5 साल का हुआ, जिस वक्त उन्हें 5 साल का हुआ, मतलब इन्हें जब 5 साल का होगा, इन लोगों की उम्र में 6-6 साल का इजाफा हो जाएगा, होता है ना। तो फादर प्लस मदर प्लस सन प्लस वाइफ, ओके, इसमें 6 ईयर्स प्लस 6 ईयर्स प्लस 6 ईयर्स प्लस 6 ईयर्स प्लस वो जो बच्चा था, इन दोनों का बच्चा चाइल्ड, उसकी उम्र जब 5 साल थी तब एवरेज क्या था? 36। तो टोटल कितने से मल्टीप्लाई करेंगे उसको? 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू 5, टोटल कितना आया? 180 आया। तब ये जो बच्ची है जिससे ये इनके लड़के की शादी हुई थी, इसकी शादी के टाइम पे उम्र क्या थी पूछा? शादी के टाइम की उम्र बोल तो बच्चा 5 साल का हुए जब, टोटल इन सब की एज जितनी आई, मतलब इसकी इसकी शादी वाली उम्र को पहुंचना है तो 6 साल मेहनत करना पड़ेगा। इसके 6 6 6 6 मेहनत करो, 6 4 24 माइनस 24 प्लस इसके इसके 5 माइनस करो प्लस ये पहले वाली 125 महीने 126 माइनस करो, हाँ ये पूरे इसमें से माइनस करो, 25 आ रहा, आ रहा, आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा, यस 25, यस दिस इज द आंसर। स्लाइड करो, मैं घर में ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता हूँ, आ जाता हूँ, राइट क्वेश्चंस, यस ये और उठाओ, यस ये टॉपिक अभी तक नहीं आया तो इसको छोड़ दो, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेवल के क्वेश्चंस हैं। कोई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लिख रहा तो यस आई के जब स्पेशल क्लासेस जब कराऊंगा ना तब कराऊंगा ये मॉडल्स। ओके, सो विद दिस, हाँ हाँ रब करो, लिखो, ओके लिखो लिखो, ओके लिखो लिखो लिखो। अब वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम करने वाले हैं, दैट इज टाइम एंड डिस्टेंस, वक्त और दूरियां, टाइम एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट मॉडल नहीं, वो बोला ना अभी उसके बारे में, कांस्टेबल एसए में नहीं है मॉडल, हाँ 100% क्वेश्चन पक्का आता, क्या सर सही है ना, टाइम एंड डिस्टेंस पक्का क्वेश्चन आता, हाँ टेट में भी आते, हो जो भी टेट लिख रहे हैं उनको भी फायदा है इससे, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क एवरेज ऐसी टेट में भी आते। ओके राइट राइट, ओके वेरी गुड। ये अभी क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ दीजिए, पहले बेसिक्स देखो, इधर देखो, पहले मेरे को देखो और मेरे चेहरे को, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, बड़ा मज़ा आता है इसमें। मैं भी जब तुम लोग ऑलरेडी थे ना, करा करता हूँ क्वेश्चन, ना बोलना क्या है, क्रिकेटर शरीफ ना तुम्हारा नाम, शफी, हाँ पैरा नीचे करो, हाँ यार दीवान खाने में नहीं बैठे अपन, और तुम लोग बोला ना मैं वो साइड बैठना बोल के, इधर नहीं बैठना बोला ना, फिर यहीं डाल लेके बैठ रहे। कल से कम ये रो की जगह छोड़ देना, नहीं बैठना उधर, ठीक है राइट। सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड
इंटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय बाय टाइम। ये तीन फार्मूले लिखो पहले, एक फार्मूला, एक फार्मूला हजार उन्होंने कराया था शायद ना, रेडी थोड़ा आसानी सीजी मेथड में समझाता हूँ, लिख लिए बेसिक फार्मूला है। इसमें और भी फार्मूलेस है लेकिन ये बेसिक फार्मूला है। क्या मैं अनूर लिख रहे हैं, नींद में तो नहीं है ना तुम? हाँ ओके, रमज़ान में मैं तुम लोगों की हालत समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। फंडा है वो ये है, किलोमीटर्स पर आवर्स टू मीटर्स पर सेकंड, मीटर्स पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर्स। ओके, किलोमीटर्स दिख रहा है क्या? देखो मैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर्स पर सेकंड चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल 90 किलोमीटर पर आवर है, उसको आप क्या करेंगे? इंटू 5/18 करेंगे तो 2 9 = 245, 9 1 = 95, 5 × 5 = 25 मीटर्स पर सेकंड। मतलब क्या निकला इसका? किलोमीटर पर आवर से मीटर्स पर सेकंड चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसको कैसे लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल ये लिखना है तो लिख लो 90 किलोमीटर्स पर आवर। अगर कोई गाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर जा रही का मतलब क्या है? एक सेकंड में 25 मीटर जा रही हूँ। 90 किलोमीटर पर आवर्स का मतलब क्या है? एक सेकंड में कितने जा रही हूँ? 25 मीटर जा रही हूँ, 25 मीटर एक सेकंड में जा रही, हाँ मीटर्स पर सेकंड। 90 किलोमीटर पर आवर कोई गाड़ी जा रही का मतलब क्या है? एक सेकंड में 25 मीटर्स जा रही है। जाते ना हम नॉर्मली 100 किलोमीटर पर आवर तो नॉर्मल जाते हैं हाईवे पे, गए तो नहीं तो अराउंड ऑन एंड अराउंड आप कितना जाते हैं? 30 मीटर्स पर सेकंड जाते हैं आप, 30 मीटर्स पर सेकंड ऑन एन एवरेज आप वहां पर जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मीटर्स पर सेकंड से किलोमीटर्स पर आवर अगर जाना है तो उल्टा कर देना उसको, 18/5 कर देना होता ही। मिसाल के तौर पे 25 मीटर्स पर सेकंड जा रहा था हूँ इंटू 18/5, 5 1 = 5 5 = तो कितना आता? 18 × 5 90 किलोमीटर्स पर आवर। ब्लैक बॉटल है, मैं ये सही नहीं लिख रहा है, ऐसा लिखे तो अच्छा लिखे जाना हो, इंक बॉटल है ब्लैक। और एक घंटे में किलोमीटर्स पर आवर है ना, वो किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर्स, आवर आवर का मतलब कितने मिनट से एक आवर में? 60 मिनट से, तो 60 मिनट्स लिख सकता हूँ ना मैं आवर को, उसमें सेकंड्स कितने हैं? 60 सेकंड्स है, तो टोटल कितना होता? 1000 / 3600, 6 6 = 36 ना, ये 20 ये 20 कैंसल, ओके 2 5 = 2 18 = 5/18 ऐसा आया हो। समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, खाली रट्टा मारो 5/18 को। नेक्स्ट, आवर्स को मिनट में चेंज करना है तो क्या करेंगे? वन आवर को मिनट में चेंज करना है तो क्या करेंगे? इंटू 60, तो 60 मिनट्स, ये आवर्स है मिनट्स में आ गया, ये मिनट्स में आ गया, ओके आवर्स से किस में आ गया? ये मिनट्स में आ गया। अब ये मिनट्स को किस में चेंज करेंगे? सेकंड्स में, ये सेकंड्स में चेंज करना है, अगेन इनटू 60, तो क्या करेंगे अब इसको? 3600,
ये समझ में आ गया। आवर से मिनट, मिनट से सेकंड्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड्स, सेकंड्स से मिनट्स में चेंज करना है तो डिवाइडेड बाय 60, 60 आता। फिर मिनट्स से आवर्स में चेंज करना है तो, आवर्स में चेंज करना है तो अगेन डिवाइडेड बाय 60, तो क्या आएगा आंसर अपना 60 आएगा। भैया तो बनाएंगे, यस सर बनाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस, ओके। ये कन्वर्जेंस अगर आप समझ में आया तभी कह सो आप यू कैन सॉल्व दी। कोई और कुछ मिस हुआ क्या? देख ले रहा हूँ। ये लिख लिया, वेरी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ा भी आता है इसको इसको पढ़ने में भी। यस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस की जहाँ तक बात की जाए तीन चीज़ों पे आ सकता हो प्रॉब्लम्स आपको, ओके। तीन चीज़ों पे आ सकता हो, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, एक टॉपिक है। दूसरा एक कार, बाइक, अरे मैन रनिंग वो जो भी है। तीसरा बोट एंड स्ट्रीम्स, बोट एंड स्ट्रीम्स, बोट एंड स्ट्रीम्स पे अब तक नहीं आया क्वेश्चन। ये सही में आया था अजर, एक आया था, ओके। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन का अपोजिट रहता बोट एंड स्ट्रीम्स होता है। जब दो ट्रेन स्पीड में क्रॉस करेंगी तो क्या होगा? स्पीड प्लस होती, वहाँ माइनस होता, कहीं को माइनस होता कहीं को प्लस होता, वो देखेंगे। हाँ, बोट एंड स्ट्रीम, स्ट्रीम एक है, हमको मेन हमको जो सीखना है ये बेसिक सीखना है, ये सीखे तो आप ये सीख सकते हैं। बोट एंड स्ट्रीम में से आया क्वेश्चन अजर, एक आया था एस आई में, कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल में नहीं आता, कॉन्स्टेबल में नहीं आता, एस आई में आता। यस हटू, ओके। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, लेकिन बीच का जो बेसिक है वो, ये अगर आप सीख गए, ये कार बाइक और ये सीखे तो ये भी सीख लेते, ये भी सीख लेते, पहले ये सीखना, इसको बेस करे तो ये आता, ये आता, ओके। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन वन क्वेश्चन पक्का, कॉन्स्टेबल अगर कोई लिख रहा तो प्रॉब्लम ऑन ट्रेन वन क्वेश्चन पक्का, ओके। एंड ये कार बाइक यहाँ पे भी मैन, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पक्का। बोट एंड स्ट्रीम में से अभी तक कॉन्स्टेबल में नहीं दिया, एस में दिया करे, देख लेंगे बोट एंड स्ट्रीम्स भी देख लेंगे। आए थे क्या ट्रेन के? आते पक्का, आते 100% आते, बिना उसके क्वेश्चन ही नहीं बनता। ओके, और एक मेन कॉन्सेप्ट, 4 आवर्स, 4.25 आवर्स बोले तो कितना टाइम है? 4.25 आवर्स, 4:15, टोटल 60 सेकंड्स रहते, वो 60 सेकंड का 25% कितना होता? 15 मिनट होते। उसी तरीके से 4:05 आवर्स, 4.5 आवर्स बोला तो आंसर क्या होगा आपका? 4:30 बजे होंगे। 4.75 आवर्स अगर हुआ तो आंसर क्या होगा आपका? 4:45। ये पॉइंट्स को समझ लो, ओके। उसके बाद अभी हम देखें मीटर्स पर सेकंड और किलोमीटर्स पर आवर, हम देख लिए मीटर्स पर सेकंड, किलोमीटर्स पर आवर हम देख लिए, राइट, ओके। और कुछ मिस हुआ क्या? देख ले रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सही अगर समझ में आ गया तो वेरी इजी, राइट। एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखो,
सपोज एक कार जा रही, कार स्पीड इज रिड्यूस्ड बाई 30 किलोमीटर पर आवर। एक कार जा रही, कार स्पीड इज रिड्यूस्ड बाई 30 किलोमीटर पर आवर। सपोज माई 90 किलोमीटर पर आवर जा रहा हूँ, नाउ आई एम गोइंग विथ 90 किलोमीटर पर आवर एंड माई कार स्पीड इज रिड्यूस्ड बाई 30 किलोमीटर पर आवर, तो अब मैं कौन सी स्पीड में हूँ? 60 किलोमीटर पर आवर। सेम स्टेटमेंट, आई एम गोइंग विथ माई कार विथ ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स, माई स्पीड वॉज रिड्यूस्ड टू 30 किलोमीटर्स पर आवर बाई और टू टू 30 किलोमीटर्स पर आवर। अब मैं कौन सी स्पीड से जा रहा हूँ? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ, रिड्यूस्ड टू 30 किलोमीटर, सीधा मैं 30 किलोमीटर्स पे आ गया। रिड्यूस्ड बाई 30 किलोमीटर बोल तो उसमें से 30 माइनस करना है। सपोज मैं 100 से जा रहा हूँ, माई स्पीड इज रिड्यूस्ड बाई 30 बोले तो माई 70 किलोमीटर्स पर आवर। मैं 100 से जा रहा हूँ, माई स्पीड इज रिड्यूस्ड टू 30 किलोमीटर पर आवर बोल तो मैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ। सो बाई और टू का फंडा समझ में आ गया। बाई बोल तो इनिशियल स्पीड से जितना बाई के बाद जो स्पीड है वो माइनस करना है। टू बोल के बोला तो वो इनिशियल स्पीड कितनी भी रहो, फाइनल स्पीड इतनी आ जाती। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ये पॉइंट को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ लो। सपोज मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ, माई स्पीड इज रिड्यूस्ड बाई 30 किलोमीटर पर आवर बोले तो 100 में से जा रहा है, ये मेरी फर्स्ट स्पीड है। माई स्पीड इज रिड्यूस्ड बाई 30 किलोमीटर पर आवर बोले तो मेरी फाइनल स्पीड क्या होंगी? 70 होंगी। अब मैं यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ, माई स्पीड इज रिड्यूस्ड टू 30 बोले तो मेरी फाइनल स्पीड क्या होंगी? 30 होंगी। 100 से मैं 30 पे आ गया, 100 से 30 माइनस हुआ, दो चीज़ों में फ़र्क है, ठीक है? बाई और टू में फ़र्क है, ये समझ में आ गया फ़र्क, क्योंकि स्टेटमेंट में देता है ये चीज़ें, स्टेटमेंट में इन चीज़ों को आपको 100% देगा। ओके, सो दैट्स वाई यू शुड बी वेरी मच केयरफुल। राइट, ओके, अब आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। राइट, हो गया, अब बेसिक्स पूरे कवर हो गए। अब किलोमीटर पर आवर्स टू मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, आवर्स टू मिनट्स, मिनट्स टू सेकंड्स, ओके, सेकंड्स टू मिनट्स, मिनट्स टू आवर, ओके, डिवाइडेड होता वहाँ पे मल्टीप्लाई होता, ओके, नाउ दिस इज क्लियर। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज, द स्पीड ऑफ द बस इज 72 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस कवर्ड बाई द बस इन इज इन 5 सेकंड इज, ऑप्शन दिया आप। स्पीड ऑफ द बस क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर है, 5 सेकंड में कितना जाता बोल रहा हूँ, तो पहले इसको मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो आपकी 1 सेकंड की स्पीड आती, 1 सेकंड में कितने मीटर जा रहा वो स्पीड आती, 5 सेकंड में कितना बोलते हैं इंटू 5 करो, तो क्या करेंगे हम इसको इंटू 5/18, ओके, तो 18 4 ज़ा 72, यस 72, तो 20 मीटर्स पर सेकंड जा रहा हूँ, तो 5 सेकंड में कितना जाएगा? इंटू 500 मीटर्स जाएगा, 100 मीटर्स 5 सेकंड्स में जाएगा। आप इसको ऐसा भी डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 72 को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड आती, 1 सेकंड में कितने मीटर जा रहा वो आता, इंटू 5, फाइनली आपको 100 आएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया किसी को? आ गया? राइट, क्वेश्चन में कभी भी गौर करना, स्पीड किलोमीटर पर आवर में देके सेकंड्स 5 सेकंड में कितना जाता। अगर कोई आदमी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जा रहा तो 5 सेकंड में उन्हें कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये क्वेश्चन है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये क्वेश्चन है। ओके, राइट, तो उसको आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड निकालो, 1 सेकंड में कितने मीटर जाता आ जाता, क्वेश्चन में कितने सेकंड्स दिया उससे मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन इज वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर्स पर आवर, ए मैन इज वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर्स पर आवर, मेडू यस, ए मैन इज वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर्स पर आवर, जी एक्स्ट्रा गिरा वहाँ पे, क्रॉसेस ए ब्रिज इन 15 मिनट्स, द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज, बोला ब्रिज की लेंथ क्या है, कितने मिनट्स में क्रॉस कर रहा हूँ, 15 मिनट्स में, और स्पीड किस में दिया, आंसर किस में दिया, मीटर्स में दिया, ऑप्शंस मीटर में दिया, स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया, टाइम सेकंड्स में दिया, सॉरी मिनट्स में दिया, तो पहले क्या करना, हम मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना, 15 मिनट्स है ना, 15 मिनट्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इनटू 60, ये मिनट्स जाके अब सेकंड्स बन गया, ओके राइट, फिर इनटू स्पीड क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीटर्स पर सेकंड में हम क्या करेंगे, उसको 5/18 से हम डिवाइड करेंगे, 5/18 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड होगा नहीं होता, 2 9 2.5 2.5 × 5 कितना होता, 12.5/9 होता ही ना, 5, हाँ 60 कट कर सकते नहीं, इसको अपन मैं यू नो कन्फ्यूज हुआ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा सोच रहे, 60 × 50 900 होता, हाँ इसको कट करो बरे, ठीक है चलो तुम्हारी मर, इसको 3 6 320 होता है ना, 320, फिर 2 3 210, ओके सो 5 × 5/3 मतलब 25/3 होता हो, अच्छा ओके 3 1 3 3 5 15, ओके तो अब क्या आएंगे, ये 50 25 × 50 इज इक्वल टू, आंसर आया था 25 × 50 इज इक्वल टू 1250 मीटर्स साइड, इसको सिंपली भी आप चेंज कर सकते, इसको सिंपली आप दिमाग से भी कैलकुलेट कर सकते, 5 किलोमीटर्स बोले तो 5000 मीटर्स ना, 5000 मीटर्स, ओके 5 किलोमीटर पर आवर जा रहा हूँ, तो 5000 मीटर्स फॉर 60 मिनट्स, 30 मिनट्स में 2500 मीटर जाएगा, 15 मिनट्स में कितना जाएगा, 1250 मीटर जाएगा, ऐसा भी कर सकते थे आप, स्पीड दिया ना भाई उसमें, 5 किलोमीटर पर आवर का मतलब, आवर का मतलब 60 मिनट्स, मैं क्या कर रहा, किलोमीटर्स को मीटर्स में चेंज करा, 1000 मीटर्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ना, तो मैं 5000 मीटर्स डाला उस, 5000 मीटर्स 60 मिनट में जा रहा, 2500 मीटर 30 मिनट में जा रहा, 1250 मीटर 15 मिनट में जा रहा, उन्हें 15 मिनट वही पूछा ना, दिमाग से भी कैलकुलेट कर सकते थे इसको, आपको फार्मूला की भी ज़रूरत नहीं है, दिमाग से भी कैलकुलेट कर सकते, कब दिमाग से कैलकुलेट कर सकते, दिमाग है तो, नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते, मजा आया, और एक बार ये वाला वो वाला बिरयानी समझो, ये ताहरी है राइट, ओके 5 × 5/18, ये 5 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर्स पर सेकंड में चेंज करना है, तो
तो किसे चेंज करेंगे, 5/18 इंटू 15 मिनट्स बोला, 15 मिनट्स को सेकंड्स में चेंज करना है तो इंटू 60, ओके इंटू 60, ये 2 9 2 30 जा पकड़ो, ओके 3 3 3 10 जा, 3 1 जा 3 5 जा, 5 10 जा 50, ये 5 5 जा 25 इंटू 50 इज इक्वल टू 1250 मीटर्स, ऐसा भी आता था। और एल्स आप डायरेक्टली भी उसको दिमाग से कैलकुलेट कर, 15 मिनट में कितना जाएगा बोला, एक घंटे में 5000 मीटर अगर जा रहा तो आधे घंटे में 2500 मीटर जाएगा, उसके अगले 15 मिनट में 1250 मीटर जाएगा, वही क्वेश्चन में पूछा था। शॉर्टकट भी मार सकते आप, माइंड कैलकुलेशन करके भी आंसर डाल सकते हैं इसका। नेक्स्ट बढ़ाओ उसको, उठाओ, एग्जैक्ट ये मॉडल, एग्जैक्ट मॉडल दिया था कोई तो भी क्वेश्चन पेपर में दिया, सेम क्वेश्चन सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया, ये मेट दू, ये समझ में आया लॉजिक है राइट। एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया था, कौन से क्वेश्चन पेपर में दिया मुझे याद है, कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, कैन कंप्लीट ए जर्नी इन 9 आवर्स, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला, ए कार इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ, स्पीड दिया, स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड से गया तो 9 घंटे में अपनी जर्नी कंप्लीट करेगा बोल रहा, बोला ना वहाँ पे कैन कंप्लीट ए जर्नी इन 9 आवर्स, तो उन्हें टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है 40, डिस्टेंस कितना है, टाइम कितना है 9, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा उन्हें, 360 कवर करा। यहाँ तक समझ में आ गया भाई, एक आदमी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा और 9 घंटे में अपनी जर्नी कंप्लीट कर रहा का मतलब क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 9 आवर्स टाइम है, ओके तो ये किलोमीटर पर आवर स्पीड क्या है, किलोमीटर्स पर आवर है, और टाइम क्या है, आवर्स में है, 9 आवर्स, ये आवर्स आवर्स मैच हो गया ना, ये जब आवर्स और आवर्स जब मैच हो जाता तो आप इसको मल्टीप्लाई करो टोटल डिस्टेंस आ जाता, 9 4 36, मतलब 360 किलोमीटर कैसा ने टोटल जर्नी करा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कवर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कवर मतलब टाइम पूछ रहा, ओके टाइम, ओके टू कवर द सेम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर बोला, यही डिस्टेंस को 60 किलोमीटर पर आवर में कितना टाइम लगेगा पूछ रहा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो टाइम इज इक्वल डिस्टेंस कितना है 360, स्पीड ऑलरेडी दिया 60 किलोमीटर पर आवर की इसमें जाएगा तो कितना जाएगा, 0 0 कैंसिल, 6 1 6 6 36, टाइम इज इक्वल टू 6 आवर्स ऑप्शन में है, सुन में आए, एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया था, कहाँ पे देखा मैं ये क्वेश्चन, कहीं ना कहीं देखा, कौन से की कॉन्स्टेबल के या कॉन्स्टेबल में दिया था, सेम क्वेश्चन, आपको मॉडल चेंज कर सकता आप, रिपीट करूं, ओके हमको क्या दिया, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया, अब इसको थोड़ा दिमाग से सोचो ना भाई, सपोज ईद का दिन है समझो, ओके मैं मिलने जा रहा हूँ, किससे भी मिलने जा सकता हूँ वो एक अलग बात है, अब किससे मिलने गया वो नहीं पूछना, क्या मैं समझ गया ना, हाँ ओके यहाँ से मैं निकला ओके तो मेरी स्पीड क्या थी, 40 किलोमीटर पर आवर की मेरी स्पीड थी, मैं जिनसे मिलने गया था उन्होंने यहाँ पे थे, मेरे को 9 घंटे लगे, टोटल में जर्नी कितनी करा बोले सर का, पहले 9 घंटे लगे ना भाई, पहले घंटे में 40, दूसरे घंटे में 40, तीसरे घंटे में 40, चौथे घंटे में 40, पांचवें घंटे में 40 किलोमीटर गया, छठवें घंटे में भी 40 किलोमीटर गया, सातवें घंटे में और 40 किलोमीटर गया, आठवें घंटे में और 40 किलोमीटर गया, नौवें घंटे में 40 किलोमीटर जाने में जब मिली उन, सॉरी टोटल, टोटल में कितने किलोमीटर गया, 0 का 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 6 36, टोटल में कितने किलोमीटर गया उससे मिलने के लिए, 360
360 किलोमीटर गया, जाके ईद मुबारक बोल के ईद के गले मिला। कोई भी हो सकता भाई, पता गलत गलत कैसे समझ रहे हो तुम लोग, समझाना बोलता ऐसा एग्जाम्पल देना पड़ता। अगर क्वेश्चन क्या पूछा, यही डिस्टेंस को, अब यहाँ डिस्टेंस आ गया हमको, यही डिस्टेंस अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता तो कितना टाइम लगता था पूछा, तो यही डिस्टेंस क्या है, 360 डिवाइडेड बाई 60, 6 6 36 मतलब 6 घंटे लगते थे। अगर यही 360 किलोमीटर अगर 40 के बदले 90 किलोमीटर की स्पीड से अगर जाता तो 6 घंटे के अंदर ही में ईद के गले मिल लेता था, ठीक है ना? समझ में आ गया? मैं फ्रेंड्स हंसते ले रहा हूँ, अर्चना ना हमें पेरे भार्गवी, इनका इवर उंडे के था वाला रारा अटनाएगा, एग्जाम सुनाया, एग्जाम सुनाया वाला की। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, ए मैन इज वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर्स पर आवर, फॉर एवरी किलोमीटर ही टेक द रेस्ट ऑफ 5 मिनट्स, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर्स। ओके, हर किलोमीटर पे 5 मिनट रुक रहा हूं। अब एक चीज समझ में आ गई हमको, उसकी स्पीड क्या थी, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूं आदमी। अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा, 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब 10 किलोमीटर इन 1 आवर, 5 किलोमीटर जाने कितना लगता जी टाइम, 5 किलोमीटर जाने 30 मिनट्स लगते भाई, 10 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा तो 5 किलोमीटर जाने कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट लगता। लेकिन कंडीशन दिया हुआ, क्या कंडीशन दिया, हर किलोमीटर में 5 मिनट एक बार रुक रहा हूँ, 1 किलोमीटर गया 5 मिनट रुका, फिर 1 किलोमीटर गया 5 मिनट रुका। ओके, इस तरीके से रुका हूँ, देखेंगे कितने बार, ये भी जीरो जीरो है भी, 1 किलोमीटर गया, ओके 1 किलोमीटर भी गया हूँ अभी रुका नहीं, ओके तो ये माइनस कर देंगे। अभी यहाँ से पहुँचा ना, ये 1st किलोमीटर, 5 मिनट रुका, टोटल गया कितने किलोमीटर अभी, 1 है, ये 0 है, फिर 1 किलोमीटर गया यहाँ से, यहाँ ये 1st किलोमीटर 5 मिनट रुका, 2nd किलोमीटर फिर 5 मिनट रुका, फिर ये 3rd किलोमीटर फिर 5 मिनट रुका, ओके फिर ये 4th किलोमीटर फिर 5 मिनट रुका। अब यहाँ पे जब आएगा ये 55 किलोमीटर्स हो गए, यहाँ से अब ये रुकने का टाइम जरूरत पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, टोटल कितने मिनट्स रुका हूँ, 20 मिनट रुका, 30 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स कितना होता, 50 मिनट्स, आंसर ऑप्शन में है। लोग क्या करते हैं, 5 किलोमीटर जाना है ना, 5 5 मिनट के हिसाब से 25 डाल देते हैं, आंसर रॉन्ग हो जाता। तो हमारा लॉजिक क्या करना, हम 5 किलोमीटर का मतलब 4 बार रुका हूँ, ओके हर किलोमीटर पे अगर उन्हें 5 मिनट रुक रहा, 30 किलोमीटर गया का मतलब 29 बार रुका, 30वां तो उसका डेस्टिनेशन आ गया ना भैया, वहाँ तो हमेशा के लिए रुकना ही है उसको, समझ में आया नहीं है? ओके सपोज घर से निकला हूँ, शादी खाना जा रहा दूल्हा, नहीं हैबत में जा रहा क्योंकि जिंदगी भर अब हैबत में गुजारना है उसको, टेंशन में नहीं, 1 किलोमीटर गया बोला जाऊँ नको जाऊँ 5 मिनट सोचा, फिर 1 किलोमीटर गया फिर जाऊँ नको जाऊँ 5 मिनट सोचा, नहीं इस तरीके से नहीं, 5 किलोमीटर कवर की शादी खाना आ गया, अब रुकने की क्या जरूरत है, नहीं अब तो पूरी जिंदगी में उसकी हैबत आने वाली है, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना, शादीशुदा कौन कौन है इसके अंदर, बॉयज़ में, बॉयज़ में रुके थे ना हर किलोमीटर पे, पूछो उन लोगों से, दूल्हा घर से निकलता असर में, पहुँचता 10 बजे हैदराबाद में, कहीं को रुक रुक के जाता हूँ जाऊँ नहीं, समझ में आ गया, तुम भी रुके थे ना हर किलोमीटर पे, नहीं रुके थे, डायरेक्ट पहुंच गए, डायरेक्ट पहुंच गए, ओके लेकिन अब समझ में आ गया हूँ कि पहले रुकना था बल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, चार्जर निकाल दो, हो गया होगा, चार्जर चेक कर लो एक बार, चार्जर चार्जर निकाल दो, ज़रूरत नहीं है। यस सेम क्वेश्चन आया था जी, नेम्स चेंज हो सकते, सेम मॉडल आया था, 2018 में आया था ये क्वेश्चन, प्रीलिम्स में आया था या मेंस में आया था मेरे को नहीं मालूम, बट आया था, सेम क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? कमल लेफ्ट द सिटी ए फ्रॉम सिटी बी, यानी सिटी बी से कमल निकला सिटी ए को गया। ओके नो टॉकिंग, देखो एक बार, नहीं टाइम एंड डिस्टेंस, एक भी कॉन्सेप्ट छूट गया तो आप प्रॉब्लम में आते, इसमें क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है, होता है और कुछ भी नहीं। तो कमल लेफ्ट द सिटी ए फ्रॉम सिटी बी, सिटी बी से सिटी ए की तरफ गया, सिटी ए से सिटी बी से जब उन्हें निकला था कितने बजे निकला, 5:20, सुबह के 5:20 हो रहे थे, मतलब फजर की नमाज के बाद निकला। ओके यस, ही ट्रैवल्ड एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर फॉर 4 hours 50 minutes, तो डिस्टेंस कितना हुआ? सेम मॉडल है ना, इससे पहले भी तो आया था ना, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उन्हें 4 घंटे 15 मिनट में पहुंचा तक उन्हें जर्नी करा, तो 4 घंटे 15 मिनट के ऐसा 80 किलोमीटर की स्पीड से जर्नी करा, तो पहला घंटा दूसरा घंटा, हालांकि मैं सिंपली डाल सकता हूँ उसको, तुम लोग समझाने के लिए बता रहा हूँ, तीसरा घंटा चौथा घंटा और 15 मिनट गया, एक घंटे में अगर 80 किलोमीटर जा रहा तो आधे घंटे में 40 किलोमीटर जाएगा, तो 15 मिनट में 20 किलोमीटर जाएगा, टोटल कितना हुआ? 32 + 2 = 340 हुआ, 340 किलोमीटर्स गया हूँ। हम सिंपली इसको कैसा कर सकते थे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या है 8 किलोमीटर्स, टाइम कितना है 4:15, 4 hours 15 minutes क्लियरली दे दिया उसमें, 4.25 hours अगर बोलता तो भी हम 4:15 ही लेते थे। ओके राइट, तो टोटल हमारा डिस्टेंस कितना निकल के आया, 340 किलोमीटर्स हमारा डिस्टेंस निकल के आया। आफ्टर दैट ही रिड्यूस द स्पीड टू 60 किलोमीटर, 2 का मतलब सीधा 60 पे चले जाना है। ओके हाँ 60 किलोमीटर्स, ओके राइट, आफ्टर दैट ही रिड्यूस द स्पीड टू 60 किलोमीटर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सिटी इज 350 किलोमीटर्स, ए और बी का अगर डिस्टेंस 350 किलोमीटर्स है। ओके तो नहीं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने मिनट गया, 240 किलोमीटर्स 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, उसके बाद स्पीड को रिड्यूस करके 60 किलोमीटर पर आवर पे आया हो, तो अभी कितने किलोमीटर बचे, 350 टोटल डिस्टेंस था वो तो दे दिया, 350 टोटल डिस्टेंस था भाई, 350 में से 240 4 घंटे 15 मिनट में आ गया, अभी कितनी जर्नी करना है उसको, 350 में से 240 गए तो कितना जी, 10 किलोमीटर जाना है उसको, और वो 10 किलोमीटर कौन सी स्पीड से गया उन, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या आता, अच्छा ये पॉइंट लिख लो, स्टार्टिंग में लिखाना भूल गया, 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 किलोमीटर पर 1 मिनट, 120 किलोमीटर पर आवर का मतलब 2 किलोमीटर पर मिनट, 180 किलोमीटर पर आवर का मतलब 3 किलोमीटर पर मिनट पर मिनट, तो 60 किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर जाना है तो कितनी देर में गया, वेरी गुड बोलो जल्दी बोलो, 10 मिनट में गया भाई, 60 किलोमीटर पर आवर जाना था 10 की स्पीड से, 10 किलोमीटर जाना है तो कितने मिनट में गया, 10 मिनट में गया। ओके मतलब प्लस 10 मिनट्स, टोटल जर्नी कितने घंटे की करा उन्हें, 4 घंटे 25 मिनट की जर्नी करा। क्वेश्चन क्या पूछा, द टाइम टेकन बाई कमल टू रीच द सिटी ए, सिटी ए तक पहुंचने के लिए कितना टाइम हुआ होगा, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, 4 घंटे 25 मिनट ऐड करेंगे, ये 9:45 को पहुंचा, देखो है उसमें 9:45। लॉजिकली सॉल्व करना इन सब चीज़ों को, ओके कैसा करना सॉल्व, लॉजिकली सॉल्व करना, हाँ फिर एक बार रिपीट, ओके नो प्रॉब्लम।
कल से ये रो नहीं रहना मियाँ, ठीक है? जहाँ पे रेड चेयर्स रहे वहीं, उसके बाद से कोई चेयर्स नहीं लगना, और कम से कम 3 से 3.5 फीट का डिफरेंस रखो, डिस्टेंस रखो। सेम मॉडल आया, नेम्स चेंज हो सकते हैं, यहाँ पे कमल है वहाँ पे कुछ भी हो सकता, समझ में आया ना? यहाँ पे क्या है कॉलेज टाइम। हाँ ओके, क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे नेम कमल्स दिया, वहाँ पे कुछ भी दे सकता, सिटी ए भी बोला, हैदराबाद चेन्नई बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता, राइट? ओके, तो हम क्या रखेंगे अब इसको? यस, क्वेश्चन में दिया 350 किलोमीटर्स की जर्नी करना था, क्वेश्चन में दिया ना 350 किलोमीटर की, हमें 4 घंटे 5:20 पे निकला, टोटल उसको जर्नी कितनी करनी थी? 350 किलोमीटर्स की जर्नी करनी थी, 8:04:15 कौन सी स्पीड से गया? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, बाकी की जो जर्नी थी वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करा बोला। तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे 15 मिनट जर्नी करा का मतलब टोटल कितनी जर्नी करा? 340 किलोमीटर की जर्नी करा, जर्नी कितनी थी उसकी? 350 थी, बचे कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर, वो 10 किलोमीटर स्पीड रिड्यूस्ड टू बोला, रिड्यूस्ड टू 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 किलोमीटर फॉर 1 मिनट, उसको जाना कितने किलोमीटर है? 10 किलोमीटर, तो 10 मिनट्स और 10 मिनट जर्नी करा उन्होंने, तो 4:15 की जर्नी प्लस 10 मिनट्स की जर्नी, टोटल कितनी जर्नी करा? 4:25 की जर्नी करा। क्वेश्चन में क्या पूछा? उन्हें कितने बजे पहुंचा होगा सिटी ए को, कितने बजे पहुंचा होगा, कितने बजे निकला वो भी बोला, कितने बजे निकला था उन्हें? 5:20 को निकला, 4:25 की जर्नी करा, तो ये 9 और ये 45, सुबह 9:45 को वो अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेगा। ओके राइट, समीर नहीं आया आज, क्या बात है, रेगुलर स्टूडेंट डुम्मा मार दिया, मेन टॉपिक पे डुम्मा मार दे रहे ना। इंटरेस्टिंग, मजा आया, रेगुलर आना कल से, ठीक है? राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, क्या टाइम हो रहा? 9:05 ही चल रहे, क्या हिस्ट्री स्टार्ट करूं? हाँ, कितने क्वेश्चन से देखेंगे मॉडल में, कितने मियाँ? अरे नहीं बहुत है, जानो कल करेंगे, कितने क्वेश्चन हुए? उतना ही हुए, 1 घंटे में उतना ही पढ़ाया हमें, हाँ बेसिक सम बहुत जरूरी है, बेसिक एवरेजेस भी बोला इस। तो प्रॉब्लम ऑन एजेस आपको जो एसआई कांस्टेबल में प्रीलिम्स में जो आ सकता वो खत्म हो गया, ओके? प्रॉब्लम ऑन एजेस खत्म हो गया, एक ही टॉपिक भी हम टोटल एप्टीट्यूड रीजनिंग में क्या क्या करें, प्रॉब्लम ऑन एजेस से करें, टाइम एंड डिस्टेंस अब कर रहे हैं, उसके अंदर इंटरनली प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स भी आ जाता, ओके? ब्लड रिलेशंस हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, कितने टॉपिक्स करें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हुआ तो 6 टॉपिक का होते, आउट ऑफ 34 टॉपिक्स खाली 6 टॉपिक्स हुए 15 दिन में। और हिस्ट्री भी एक्चुअली क्या है मालूम, अगर अगर वाकई कांस्टेबल अगर नौकरी वाकई अगर चाह रहे हैं तो कम से कम 8 घंटे की क्लास रहना, एक्चुअली मैं लेने के लिए भी तैयार था, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्या है मालूम है? पार्किंग नहीं है यहाँ पे, 10:15 दुकान खुल जा रहे हैं, अपने गाड़ियाँ तो कम से कम 10:15 के बीच में निकल जाना, वो एक सबसे बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं अदरवाइज़ 12 बजे तक यहीं बिठाया था तुम लोग, ओके? कम से कम 8 घंटे या 4 से 6 से 7 घंटे अगर कोचिंग करें तब जाके 3 मंथ्स में कंप्लीट होता, लेकिन मैं क्या सोचा कैसा भी प्रीलिम्स में 70 मार्क्स तक पहुंचाना है, तो वो हम अगर 7 to 10 भी अगर लिए तो रमज़ान के बाद मैं टाइमिंग चेंज कर देता हूँ, 6 to 10:30 रखेंगे, 4.5 घंटे होते। आरसी रेड्डी जाओ आप, 60,000 रुपये लेता, 5:30 बजे क्लास रखता, कितने बजे? यहाँ मैं फ्री में ले रहा हूँ, नहीं हम भी 60,000 दे के 5:30 बजे आते, नहीं तो 7 बजे चाहते बोल दो, फिर लाओ 60,000 रुपये,
आप लोगों को नहीं मालूम, कॉम्पिटेटिव फील्ड बोले तो बहुत टफ रहती। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो जाके देखो, मालूम है ना। यस, दिलशु नगर में भी वैसी चल रहा था। हाँ, मॉर्निंग 6 से इवनिंग 8 तक भी ले रहे। यहाँ पे है 3 4 3.5 घंटे की, एक बैग लेके जाते रहता, एक साढ़े आठ बजे आता, कब आता कब जा रहा, कहीं को आ रहा कहीं को जा रहा उसको भी नहीं मालूम। असल आ रहा कहीं को जा रहा कहीं को भी नहीं मालूम बेचारे को। नहीं, ये हालत है अपनी। अगर ऐसा रहा तो यू आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। अगर वाकई मॉर्निंग आवर्स एक्चुअली अच्छा रहता। और एक चीज़ याद रखो, अभी रमज़ान है, खैर उसका छोड़ दो, रमज़ान के बाद 9 बजे सो जाओ, ऑटोमेटिकली 5 बजे उठ जाते, 6 बजे क्लास को आ जाते। हो सका तो मैं नाश्ते का इंतज़ाम भी करने की कोशिश करता हूँ। खाली बोल देना, तूने मेरे कानों को खुश किया, मैंने तेरे कानों को। नहीं, एक्चुअली एक दो तीन स्पॉन्सर्स हैं, अब उनको बोल सकते, मगर मैं सोचा बजाय खाने के, नहीं खाने के टिफिन ला लेते ना, तो बीच में एक 10 मिनट ब्रेकफास्ट के लिए 6 बजे फ्रेश अप होके आ जाना। हाँ हाँ, इधर भी बढ़ाता हूँ उधर भी बढ़ाता हूँ। 6 o'clock, 5:15 बजे फजर होती, 6 बजे आ जाना। रोड रोड